सो नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की डीजे मूवी के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं, वो भी एकदम फ्री में, तो आप सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे। तो अगर आप इस मूवी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए। और यहाँ पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करेंगे और कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको इस मूवी के बारे में बताने वाले हैं जो शायद आपने नहीं सुने होंगे। वैसे मूवी दोस्तों काफ़ी कमाल की है, तो आप इस मूवी को 2 बार तो देख ही सकते हो। और यह मूवी दोस्तों बहुत ही बड़ी हिट मूवी हो चुकी थी। पहले मैं यहाँ पर इस मूवी की कुछ बेसिक डिटेल के बारे में आपको बताऊँगा, बाद में यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलेगी वो भी बताने वाला हूँ। इस मूवी को एक्सप्लेन तो करेंगे ही, साथ में आपको बहुत सारे फैक्ट इस मूवी के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और हो सके तो आप इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कर देना। यह मूवी दोस्तों आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक बांधे रखती है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको अल्लू अर्जुन के अलग अलग रोल नज़र आने वाले हैं। वैसे एक ही रोल है पर वो अलग अलग कैरेक्टर में होते हैं, जैसे कि आप यह इमेजेस देखकर मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको साफ साफ मालूम पड़ जाएगा कि जो अल्लू अर्जुन है उनके आपको अलग अलग कैरेक्टर नज़र आने वाले हैं। वैसे दोस्तों इस मूवी का शॉर्ट नाम डीजे था, पर इस मूवी का फुल नेम डुव्वाड़ा जगन्नाधम था। इस मूवी को 2017 में रिलीज़ किया था, और यह एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जो 2 घंटे की है, और यह मूवी आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर मैं बात करूँ इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 5.8 की, जो काफ़ी गजब की रेटिंग है। और वहीं पर 79% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था। मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था हरीश शंकर ने, और दोस्तों यह बहुत ही बड़ी हिट मूवी रही थी, क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन 50 करोड़ का था, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 115 करोड़ की कमाई कर ली थी। यानी कि यह मूवी हिट हो चुकी थी, क्योंकि हिट का टैग लेने के लिए कम से कम 100 करोड़ तो करने चाहिए थे, और इस मूवी ने 115 करोड़ का कलेक्शन किया था। यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी हिट हुई थी, और इस मूवी के सारे सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं, और इस मूवी में जो म्यूजिक है वो दिया है देवी श्री प्रसाद ने, जो गजब का है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो मूवी के मेन कास्ट में आपको देखने को मिलने वाले हैं अल्लू अर्जुन, पूजा हैगड़े, वेन्नेला किशोर, राव रमेश, मुरली शर्मा, हरीश उथनम, पोसानी कृष्णा, सुब्बाराजू, प्रभाकर, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जिनकी एक्टिंग काफ़ी दमदार है। और इस मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है, जिसमें आपको अल्लू अर्जुन का एक नया लुक देखने को मिलने वाला है। यानी कि एक पंडित का लुक आपको देखने को मिलने वाला है, जो शादियों के अंदर रसोई बनाते हैं, बट उनका दिखावा कुछ और था और वो अंदर से कुछ और थे। बस वो सिर्फ दिखावा करते थे कि वो पंडित है, बट अंदर से, जैसे कि आपने वो मूवी देखी होगी अपरिचित, तो उसमें कैसा होता था कि जो हीरो था वो दिखने में एकदम शरीफ लगता था, पर जब रात होती तो सबकी बचा देता था। तो यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जो अल्लू अर्जुन है उनका लुक तो काफ़ी दमदार था ही, पर उनकी एक्टिंग इस मूवी में बहुत ही बेहतरीन थी। यहाँ पर जो पूजा हैगड़े है उनकी एक्टिंग आपको कहीं कहीं जगह पर लगेगा कि ये ओवर एक्टिंग कर रही है। और वैसे दोस्तों जो डीजे होते हैं इस मूवी के अंदर, उनका जो कैरेक्टर है पंडित वाला, वो एकदम भोला कैरेक्टर है, किसी को लगेगा नहीं कि किसी को मार सकता है। बट जैसे मूवी 30 मिनट से आगे बढ़ती है तो हमें मालूम पड़ता है कि डीजे का कुछ और ही लुक था, मतलब उनका कुछ काम और ही था, बस ये तो उनका एक साइड काम था जिसमें वो पंडित का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। तो मूवी में आपको बहुत जगह पर एक्शन सीन देखने को मिलने वाले हैं, और इस मूवी में जो डायलॉग बाजी है वो काफ़ी दमदार है, और इस मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी है, तो आपको मूवी देखने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो ओवरऑल दोस्तों मूवी की जो स्टोरी है वही आपको दिखाई जाएंगी कि कैसे एक पंडित, उसके ऊपर कैसे लोग हमला कर देते हैं। जब उसने कुछ किया ही नहीं था तब उसके ऊपर लोग हमला करते हैं, तो उसने डिसाइड कर लिया था कि वो कैसे भी कर सब ठीक करेगा। तो वो 2 लुक में आ जाता है, पहला वो लुक पंडित वाला और दूसरा एक बिजनेसमैन, जिसमें उनका लुक काफ़ी दमदार होता है। तो यानी कि यहाँ पर आपको दो अलग अलग लुक देखने को मिलने वाले हैं। और जो यहाँ पर अल्लू अर्जुन, उनकी एक्टिंग तो भाई साहब एकदम कड़क थी। जो इस मूवी के अंदर विलन है उनका भी लुक काफ़ी तगड़ा है और वो भी काफ़ी तगड़े थे। जैसे हर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है वैसे इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो मूवी में दोस्तों आपको कॉमेडी सीन बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर जो वेन्नेला किशोर है उनकी भी काफ़ी दमदार एक्टिंग थी और वो भी बहुत जगह पर कॉमेडी क्रिएट करते हैं। और अल्लू अर्जुन भी यहाँ पर बहुत जगह पर कॉमेडी क्रिएट करते हैं। तो पूजा हैगड़े पहले जब मिलती है डीजे से तो उनकी मजाक बनाती है, क्योंकि उनका लुक ही ऐसा था उसे देखकर वो उनकी मजाक बनाती है। बट जब उनके बारे में उसको सब कुछ मालूम पड़ता है तो वो तो एकदम शॉक रह जाती है। आपने धनुष की मूवी का वो डायलॉग तो ज़रूर सुना होगा, कभी किसी का हुलिया देखकर जज नहीं करना, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है। तो यहाँ पर भी अल्लू अर्जुन वैसे ही होते हैं। तो बस दोस्तों मूवी की जो ओवरऑल स्टोरी है वही है कि जो पंडित है वो कैसे अपने अलग रूप में आ जाते हैं और कैसे लोगों को मारते हैं, कैसे बदला लेते हैं, वो सब कुछ आपको मूवी के अंदर दिखाया जाएगा। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आप इस मूवी की कहानी आराम से समझ जाएंगे। वैसे आप इस मूवी को 2 बार देख सकते हैं। मूवी काफ़ी दमदार थी और मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी थी। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलेंगी। तो अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको दोस्तों यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी, क्योंकि यूट्यूब पर इस मूवी को प्राइवेट कर लिया गया है। बट अगर आपको इस मूवी को फ्री में देखना है तो यह मूवी आपको MX प्लेयर के ऑफिशियल ऐप पर हिंदी भाषा में मिल जाएंगी। तो आप इस मूवी को MX प्लेयर पर जाकर आसानी से देख पाओगे। वहाँ पर बस कुछ ऐड आएंगे, पर बाद में आप इस मूवी को आराम से एंजॉय कर सकते हो, वो भी अच्छी क्वालिटी में। तो वहाँ पर दोस्तों यह मूवी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल है। तो जाइए MX प्लेयर के ऊपर और इस मूवी को आराम से देखिए, और साथ में जो अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर है उनको भी आप इस मूवी को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि मूवी काफ़ी तगड़ी है। तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर देख सकते हो। सो नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की डीजे मूवी के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं, वो भी एकदम फ्री में, तो आप सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे। तो अगर आप इस मूवी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए। और यहाँ पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करेंगे और कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको इस मूवी के बारे में बताने वाले हैं जो शायद आपने नहीं सुने होंगे। वैसे मूवी दोस्तों काफ़ी कमाल की है, तो आप इस मूवी को 2 बार तो देख ही सकते हो। और यह मूवी दोस्तों बहुत ही बड़ी हिट मूवी हो चुकी थी। पहले मैं यहाँ पर इस मूवी की कुछ बेसिक डिटेल के बारे में आपको बताऊँगा, बाद में यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलेगी वो भी बताने वाला हूँ। इस मूवी को एक्सप्लेन तो करेंगे ही, साथ में आपको बहुत सारे फैक्ट इस मूवी के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और हो सके तो आप इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कर देना। यह मूवी दोस्तों आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक बांधे रखती है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको अल्लू अर्जुन के अलग अलग रोल नज़र आने वाले हैं। वैसे एक ही रोल है पर वो अलग अलग कैरेक्टर में होते हैं, जैसे कि आप यह इमेजेस देखकर मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको साफ साफ मालूम पड़ जाएगा कि जो अल्लू अर्जुन है उनके आपको अलग अलग कैरेक्टर नज़र आने वाले हैं। वैसे दोस्तों इस मूवी का शॉर्ट नाम डीजे था, पर इस मूवी का फुल नेम डुव्वाड़ा जगन्नाधम था। इस मूवी को 2017 में रिलीज़ किया था, और यह एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जो 2 घंटे की है। और यह मूवी आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर मैं बात करूँ इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 5.8 की, जो काफ़ी गजब की रेटिंग है। और वहीं पर 79% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था। मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था हरीश शंकर ने। और दोस्तों यह बहुत ही बड़ी हिट मूवी रही थी, क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन 50 करोड़ का था, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 115 करोड़ की कमाई कर ली थी। यानी कि यह मूवी हिट हो चुकी थी, क्योंकि हिट का टैग लेने के लिए कम से कम 100 करोड़ तो करने चाहिए थे, और इस मूवी ने 115 करोड़ का कलेक्शन किया था। यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी हिट हुई थी। और इस मूवी के सारे सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और इस मूवी में जो म्यूजिक है वो दिया है देवी श्री प्रसाद ने, जो गजब का है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो मूवी के मेन कास्ट में आपको देखने को मिलने वाले हैं अल्लू अर्जुन, पूजा हैगड़े, वेन्नेला किशोर, राव रमेश, मुरली शर्मा, हरीश उथनम, पोसानी कृष्णा, सुब्बाराजू, प्रभाकर और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जिनकी एक्टिंग काफ़ी दमदार है। और इस मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है जिसमें आपको अल्लू अर्जुन का एक नया लुक देखने को मिलने वाला है, यानी कि एक पंडित का लुक आपको देखने को मिलने वाला है जो शादियों के अंदर रसोई बनाते हैं, बट उनका दिखावा कुछ और था और अंदर से कुछ और थे। बस वो सिर्फ दिखावा करते थे कि वो पंडित थे, बट अंदर से जैसे कि आपने वो मूवी देखी होगी अपरिचित, तो उसमें कैसा होता था कि जो हीरो था वो दिखने में एकदम शरीफ लगता था पर जब रात होती तो सबकी बचा देता था। तो यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जो अल्लू अर्जुन है उनका लुक तो काफ़ी दमदार था ही पर उनकी एक्टिंग इस मूवी में बहुत ही बेहतरीन थी। यहाँ पर जो पूजा हैगड़े है उनकी एक्टिंग आपको कहीं कहीं जगह पर लगेगा कि ये ओवर एक्टिंग कर रही है। और वैसे दोस्तों जो डीजे होते हैं इस मूवी के अंदर, उनका जो कैरेक्टर है पंडित वाला वो एकदम भोला कैरेक्टर है, किसी को लगेगा नहीं कि किसी को मार सकता है, बट जैसे मूवी 30 मिनट से आगे बढ़ती है तो हमें मालूम पड़ता है कि डीजे का कुछ और ही लुक था, मतलब उनका कुछ काम और ही था, बस ये तो उनका एक साइड काम था जिसमें वो पंडित का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। तो मूवी में आपको बहुत जगह पर एक्शन सीन देखने को मिलने वाले हैं और इस मूवी में जो डायलॉग बाजी है वो काफ़ी दमदार है और इस मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी है, तो आपको मूवी देखने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो ओवरऑल दोस्तों मूवी की जो स्टोरी है वही आपको दिखाई जाएंगी कि कैसे एक पंडित उसके ऊपर कैसे लोग हमला कर देते हैं, जब उसने कुछ किया ही नहीं था तब उसके ऊपर लोग हमला करते हैं, तो उसने डिसाइड कर लिया था कि वो कैसे भी कर सब ठीक करेगा। तो वो दो लुक में आ जाता है, पहला वो लुक पंडित वाला और दूसरा एक बिजनेसमैन, जिसमें उनका लुक काफ़ी दमदार होता है। तो यानी कि यहाँ पर आपको दो अलग अलग लुक देखने को मिलने वाले हैं। और जो यहाँ पर अल्लू अर्जुन उनकी एक्टिंग तो भाई साहब एकदम कड़क थी। जो इस मूवी के अंदर विलन है उनका भी लुक काफ़ी तगड़ा है और वो भी काफ़ी तगड़े थे। जैसे हर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है वैसे इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो मूवी में दोस्तों आपको कॉमेडी सीन बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर जो वेन्नेला किशोर है उनकी भी काफ़ी दमदार एक्टिंग थी और वो भी बहुत जगह पर कॉमेडी क्रिएट करते हैं और अल्लू अर्जुन भी यहाँ पर बहुत जगह पर कॉमेडी क्रिएट करते हैं। तो पूजा हैगड़े पहले जब मिलती है डीजे से तो उनकी मजाक बनाती है, क्योंकि उनका लुक ही ऐसा था उसे देखकर वो उनकी मजाक बनाती है, बट जब उनके बारे में उसको सब कुछ मालूम पड़ता है तो वो तो एकदम शौक रह जाती है। आपने धनुष की मूवी का वो डायलॉग तो ज़रूर सुना होगा, कभी किसी का हुलिया देखकर जज नहीं करना, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है। तो यहाँ पर भी अल्लू अर्जुन वैसे ही होते हैं। तो बस दोस्तों मूवी की जो ओवरऑल स्टोरी है वही है कि जो पंडित है वो कैसे अपने अलग रूप में आ जाते हैं और कैसे लोगों को मारते हैं, कैसे बदला लेते हैं, वो सब कुछ आपको मूवी के अंदर दिखाया जाएगा। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आप इस मूवी की कहानी आराम से समझ जाएंगे। वैसे आप इस मूवी को 2 बार देख सकते हैं, मूवी काफ़ी दमदार थी और मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी थी। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलेंगी। तो अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको दोस्तों यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी, क्योंकि यूट्यूब पर इस मूवी को प्राइवेट कर लिया गया है। बट अगर आपको इस मूवी को फ्री में देखना है तो यह मूवी आपको MX प्लेयर के ऑफिशियल ऐप पर हिंदी भाषा में मिल जाएंगी। तो आप इस मूवी को MX प्लेयर पर जाकर आसानी से देख पाओगे। वहाँ पर बस कुछ ऐड आएंगे पर बाद में आप इस मूवी को आराम से एंजॉय कर सकते हो, वो भी अच्छी क्वालिटी में। तो वहाँ पर दोस्तों यह मूवी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल है, तो जाइए MX प्लेयर के ऊपर और इस मूवी को आराम से देखिए और साथ में जो अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर है उनको भी आप इस मूवी को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि मूवी काफ़ी तगड़ी है। तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर देख सकते हो। सो नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की डीजे मूवी के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं, वो भी एकदम फ्री में, तो आप सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे। तो अगर आप इस मूवी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना। ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए। और यहाँ पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करेंगे और कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको इस मूवी के बारे में बताने वाले हैं जो शायद आपने नहीं सुने होंगे। वैसे मूवी दोस्तों काफ़ी कमाल की है, तो आप इस मूवी को 2 बार तो देख ही सकते हो। और यह मूवी दोस्तों बहुत ही बड़ी हिट मूवी हो चुकी थी। पहले मैं यहाँ पर इस मूवी की कुछ बेसिक डिटेल के बारे में आपको बताऊँगा, बाद में यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलेंगी वो भी बताने वाला हूँ। इस मूवी को एक्सप्लेन तो करेंगे ही, साथ में आपको बहुत सारे फैक्ट इस मूवी के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हो सके तो आप इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कर देना। यह मूवी दोस्तों आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक बांधे रखती है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको अल्लू अर्जुन के अलग अलग रोल नज़र आने वाले हैं। वैसे एक ही रोल है पर वो अलग अलग कैरेक्टर में होते हैं, जैसे कि आप यह इमेजेस देखकर मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको साफ साफ मालूम पड़ जाएगा कि जो अल्लू अर्जुन है उनके आपको अलग अलग कैरेक्टर नज़र आने वाले हैं। वैसे दोस्तों इस मूवी का शॉर्ट नाम डीजे था, पर इस मूवी का फुल नेम डुव्वाड़ा जगन्नाधम था। इस मूवी को 2017 में रिलीज़ किया था और यह एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जो 2 घंटे की है और यह मूवी आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर मैं बात करूँ इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 5.8 की, जो काफ़ी गजब की रेटिंग है। और वहीं पर 79% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था। मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था हरीश शंकर ने। और दोस्तों यह बहुत ही बड़ी हिट मूवी रही थी, क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन 50 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 115 करोड़ की कमाई कर ली थी। यानी कि यह मूवी हिट हो चुकी थी, क्योंकि हिट का टैग लेने के लिए कम से कम 100 करोड़ तो करने चाहिए थे और इस मूवी ने 115 करोड़ का कलेक्शन किया था। यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी हिट हुई थी। और इस मूवी के सारे सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और इस मूवी में जो म्यूजिक है वो दिया है देवी श्री प्रसाद ने, जो गजब का है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो मूवी के मेन कास्ट में आपको देखने को मिलने वाले हैं अल्लू अर्जुन, पूजा हैगड़े, वेन्नेला किशोर, राव रमेश, मुरली शर्मा, हरीश उथनम, पोसानी कृष्णा, सुब्बाराजू, प्रभाकर और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जिनकी एक्टिंग काफ़ी दमदार है। और इस मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है, जिसमें आपको अल्लू अर्जुन का एक नया लुक देखने को मिलने वाला है। यानी कि एक पंडित का लुक आपको देखने को मिलने वाला है जो शादियों के अंदर रसोई बनाते हैं, बट उनका दिखावा कुछ और था, वो अंदर से कुछ और थे। बस वो सिर्फ दिखावा करते थे कि वो पंडित थे, बट अंदर से, जैसे कि आपने वो मूवी देखी होगी अपरिचित, तो उसमें कैसा होता था कि जो हीरो था वो दिखने में एकदम शरीफ लगता था, पर जब रात होती तो सबकी बचा देता था। तो यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जो अल्लू अर्जुन है उनका लुक तो काफ़ी दमदार था ही, पर उनकी एक्टिंग इस मूवी में बहुत ही बेहतरीन थी। यहाँ पर जो पूजा हैगड़े है उनकी एक्टिंग आपको कहीं कहीं जगह पर लगेगा कि ये ओवर एक्टिंग कर रही है। और वैसे दोस्तों जो डीजे होते हैं इस मूवी के अंदर, उनका जो कैरेक्टर है पंडित वाला, वो एकदम भोला कैरेक्टर है, किसी को लगेगा नहीं कि किसी को मार सकता है। बट जैसे मूवी 30 मिनट से आगे बढ़ती है तो हमें मालूम पड़ता है कि डीजे का कुछ और ही लुक था, मतलब उनका कुछ काम और ही था। बस ये तो उनका एक साइड काम था जिसमें वो पंडित का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। तो मूवी में आपको बहुत जगह पर एक्शन सीन देखने को मिलने वाले हैं और इस मूवी में जो डायलॉग बाजी है वो काफ़ी दमदार है। और इस मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी है, तो आपको मूवी देखने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो ओवरऑल दोस्तों मूवी की जो स्टोरी है वही आपको दिखाई जाएंगी कि कैसे एक पंडित, उसके ऊपर कैसे लोग हमला कर देते हैं। जब उसने कुछ किया ही नहीं था तब उसके ऊपर लोग हमला करते हैं, तो उसने डिसाइड कर लिया था कि वो कैसे भी कर कर सब ठीक करेगा। तो वो 2 लुक में आ जाता है, पहला वो लुक पंडित वाला और दूसरा एक बिजनेसमैन, जिसमें उनका लुक काफ़ी दमदार होता है। तो यानी कि यहाँ पर आपको 2 अलग अलग लुक देखने को मिलने वाले हैं। और जो यहाँ पर अल्लू अर्जुन, उनकी एक्टिंग तो भाई साहब एकदम कड़क थी। जो इस मूवी के अंदर विलन है उनका भी लुक काफ़ी तगड़ा है और वो भी काफ़ी तगड़े थे। जैसे हर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है वैसे इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो मूवी में दोस्तों आपको कॉमेडी सीन बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर जो वेन्नेला किशोर है उनकी भी काफ़ी दमदार एक्टिंग थी और वो भी बहुत जगह पर कॉमेडी क्रिएट करते हैं और अल्लू अर्जुन भी यहाँ पर बहुत जगह पर कॉमेडी क्रिएट करते हैं। तो पूजा हैगड़े पहले जब मिलती है डीजे से तो उनकी मजाक बनाती है क्योंकि उनका लुक ही ऐसा था, उसे देखकर वो उनकी मजाक बनाती है। बट जब उनके बारे में उसको सब कुछ मालूम पड़ता है तो वो तो एकदम शॉक रह जाती है। आपने धनुष की मूवी का वो डायलॉग तो ज़रूर सुना होगा, कभी किसी का हुलिया देखकर जज नहीं करना है क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है। तो यहाँ पर भी अल्लू अर्जुन वैसे ही होते हैं। तो बस दोस्तों मूवी की जो ओवरऑल स्टोरी है वही है कि जो पंडित है वो कैसे अपने अलग रूप में आ जाते हैं और कैसे लोगों को मारते हैं, कैसे बदला लेते हैं, वो सब कुछ आपको मूवी के अंदर दिखाया जाएगा। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आप इस मूवी की कहानी आराम से समझ जाएंगे। वैसे आप इस मूवी को 2 बार देख सकते हैं। मूवी काफ़ी दमदार थी और मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी थी। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलेंगी। तो अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको दोस्तों यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी क्योंकि यूट्यूब पर इस मूवी को प्राइवेट कर लिया गया है। बट अगर आपको इस मूवी को फ्री में देखना है तो यह मूवी आपको MX प्लेयर के ऑफिशियल ऐप पर हिंदी भाषा में मिल जाएंगी। तो आप इस मूवी को MX प्लेयर पर जाकर आसानी से देख पाओगे। वहाँ पर बस कुछ ऐड आएंगे पर बाद में आप इस मूवी को आराम से इंजॉय कर सकते हो, वो भी अच्छी क्वालिटी में। तो वहाँ पर दोस्तों यह मूवी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल है। तो जाइए MX प्लेयर के ऊपर और इस मूवी को आराम से देखिए और साथ में जो अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर है उनको भी आप इस मूवी को ज़रूर दिखाएं क्योंकि मूवी काफ़ी तगड़ी है। तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर देख सकते हो। सो नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की डीजे मूवी के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में, तो आप सही जगह पर आए हैं क्योंकि आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे। तो अगर आप इस मूवी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए। और यहाँ पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करेंगे और कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको इस मूवी के बारे में बताने वाले हैं जो शायद आपने नहीं सुने होंगे। वैसे मूवी दोस्तों काफ़ी कमाल की है, तो आप इस मूवी को 2 बार तो देख ही सकते हो। और यह मूवी दोस्तों बहुत ही बड़ी हिट मूवी हो चुकी थी। पहले मैं यहाँ पर इस मूवी की कुछ बेसिक डिटेल के बारे में आपको बताऊँगा, बाद में यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलेगी वो भी बताने वाला हूँ। इस मूवी को एक्सप्लेन तो करेंगे ही, साथ में आपको बहुत सारे फैक्ट इस मूवी के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हो सके तो आप इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कर देना। यह मूवी दोस्तों आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक बांधे रखती है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको अल्लू अर्जुन के अलग अलग रोल नज़र आने वाले हैं। वैसे एक ही रोल है पर वो अलग अलग कैरेक्टर में होते हैं, जैसे कि आप यह इमेजेस देखकर मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको साफ साफ मालूम पड़ जाएगा कि जो अल्लू अर्जुन है उनके आपको अलग अलग कैरेक्टर नज़र आने वाले हैं। वैसे दोस्तों इस मूवी का शॉर्ट नाम डीजे था पर इस मूवी का फुल नेम डुव्वाड़ा जगन्नाधम था। इस मूवी को 2017 में रिलीज़ किया था और यह एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जो 2 घंटे की है और यह मूवी आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर मैं बात करूँ इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 5.8 की, जो काफ़ी गजब की रेटिंग है। और वहीं पर 79% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था। मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था हरीश शंकर ने और दोस्तों यह बहुत ही बड़ी हिट मूवी रही थी क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन 50 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 115 करोड़ की कमाई कर ली थी। यानी कि यह मूवी हिट हो चुकी थी क्योंकि हिट का टैग लेने के लिए कम से कम 100 करोड़ तो करने चाहिए थे और इस मूवी ने 115 करोड़ का कलेक्शन किया था। यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी हिट हुई थी और इस मूवी के सारे सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और इस मूवी में जो म्यूजिक है वो दिया है देवी श्री प्रसाद ने, जो गजब का है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ इस मूवी के कास्ट के बारे में तो मूवी के मेन कास्ट में आपको देखने को मिलने वाले हैं अल्लू अर्जुन, पूजा हैगड़े, वेन्नेला किशोर, राव रमेश, मुरली शर्मा, हरीश उथनम, पोसानी कृष्णा, सुब्बाराजू, प्रभाकर और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे काफ देखने को मिलने वाले हैं जिनकी एक्टिंग काफ़ी दमदार है। और इस मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है जिसमें आपको अल्लू अर्जुन का एक नया लुक देखने को मिलने वाला है, यानी कि एक पंडित का लुक आपको देखने को मिलने वाला है जो शादियों के अंदर रसोई बनाते हैं, बट उनका दिखावा कुछ और था और अंदर से कुछ और थे। बस वो सिर्फ दिखावा करते थे कि वो पंडित थे, बट अंदर से, जैसे कि आपने वो मूवी देखी होगी अपरिचित, तो उसमें कैसा होता था कि जो हीरो था वो दिखने में एकदम शरीफ लगता था पर जब रात होती तो सबकी बचा देता था। तो यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जो अल्लू अर्जुन है उनका लुक तो काफ़ी दमदार था ही, पर उनकी एक्टिंग इस मूवी में बहुत ही बेहतरीन थी। यहाँ पर जो पूजा हैगड़े है उनकी एक्टिंग आपको कहीं कहीं जगह पर लगेगा कि ये ओवर एक्टिंग कर रही है। और वैसे दोस्तों जो डीजे होते हैं इस मूवी के अंदर, उनका जो कैरेक्टर है पंडित वाला वो एकदम भोला कैरेक्टर है, किसी को लगेगा नहीं कि किसी को मार सकता है, बट जैसे मूवी 30 मिनट से आगे बढ़ती है तो हमें मालूम पड़ता है कि डीजे का कुछ और ही लुक था, मतलब उनका कुछ काम और ही था, बस ये तो उनका एक साइड काम था जिसमें वो पंडित का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। तो मूवी में आपको बहुत जगह पर एक्शन सीन देखने को मिलने वाले हैं और इस मूवी में जो डायलॉग बाजी है वो काफ़ी दमदार है और इस मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी है, तो आपको मूवी देखने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो ओवरऑल दोस्तों मूवी की जो स्टोरी है वही आपको दिखाई जाएंगी कि कैसे एक पंडित, उसके ऊपर कैसे लोग हमला कर देते हैं, जब उसने कुछ किया ही नहीं था तब उसके ऊपर लोग हमला करते हैं, तो उसने डिसाइड कर लिया था कि वो कैसे भी कर सब ठीक करेगा। तो वो दो लुक में आ जाता है, पहला वो लुक पंडित वाला और दूसरा एक बिजनेसमैन, जिसमें उनका लुक काफ़ी दमदार होता है। तो यानी कि यहाँ पर आपको दो अलग अलग लुक देखने को मिलने वाले हैं। और जो यहाँ पर अल्लू अर्जुन, उनकी एक्टिंग तो भाई साहब एकदम कड़क थी। जो इस मूवी के अंदर विलन है उनका भी लुक काफ़ी तगड़ा है और वो भी काफ़ी तगड़े थे। जैसे हर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है वैसे इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो मूवी में दोस्तों आपको कॉमेडी सीन बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर जो वेन्नेला किशोर है उनकी भी काफ़ी दमदार एक्टिंग थी और वो भी बहुत जगह पर कॉमेडी क्रिएट करते हैं और अल्लू अर्जुन भी यहाँ पर बहुत जगह पर कॉमेडी क्रिएट करते हैं। तो पूजा हैगड़े पहले जब मिलती है डीजे से तो उनकी मजाक बनाती है, क्योंकि उनका लुक ही ऐसा था, उसे देखकर वो उनकी मजाक बनाती है, बट जब उनके बारे में उसको सब कुछ मालूम पड़ता है तो वो तो एकदम शौक रह जाती है। आपने धनुष की मूवी का वो डायलॉग तो ज़रूर सुना होगा, कभी किसी का हुलिया देखकर जज नहीं करना, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है। तो यहाँ पर भी अल्लू अर्जुन वैसे ही होते हैं। तो बस दोस्तों मूवी की जो ओवरऑल स्टोरी है वही है कि जो पंडित है वो कैसे अपने अलग रूप में आ जाते हैं और कैसे लोगों को मारते हैं, कैसे बदला लेते हैं, वो सब कुछ आपको मूवी के अंदर दिखाया जाएगा। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आप इस मूवी की कहानी आराम से समझ जाएंगे। वैसे आप इस मूवी को 2 बार देख सकते हैं, मूवी काफ़ी दमदार थी और मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी थी। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलेंगी। तो अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको दोस्तों YouTube पर नहीं मिलेंगी, क्योंकि YouTube पर इस मूवी को प्राइवेट कर लिया गया है। बट अगर आपको इस मूवी को फ्री में देखना है तो यह मूवी आपको MX Player के ऑफिशियल ऐप पर हिंदी भाषा में मिल जाएंगी। तो आप इस मूवी को MX Player पर जाकर आसानी से देख पाओगे। वहाँ पर बस कुछ ऐड आएंगे, पर बाद में आप इस मूवी को आराम से इंजॉय कर सकते हो, वो भी अच्छी क्वालिटी में। तो वहाँ पर दोस्तों यह मूवी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल है। तो जाइए MX Player के ऊपर और इस मूवी को आराम से देखिए और साथ में जो अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर है उनको भी आप इस मूवी को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि मूवी काफ़ी तगड़ी है। तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर देख सकते हो। सो नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की डीजे मूवी के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं, वो भी एकदम फ्री में, तो आप सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे। तो अगर आप इस मूवी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए। और यहाँ पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करेंगे और कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको इस मूवी के बारे में बताने वाले हैं जो शायद आपने नहीं सुने होंगे। वैसे मूवी दोस्तों काफ़ी कमाल की है, तो आप इस मूवी को 2 बार तो देख ही सकते हो। और यह मूवी दोस्तों बहुत ही बड़ी हिट मूवी हो चुकी थी। पहले मैं यहाँ पर इस मूवी की कुछ बेसिक डिटेल के बारे में आपको बताऊंगा। बाद में यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहां पर मिलेगी वो भी बताने वाला हूँ। इस मूवी को एक्सप्लेन तो करेंगे ही, साथ में आपको बहुत सारे फैक्ट इस मूवी के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हो सके तो आप इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कर देना। यह मूवी दोस्तों आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक बांधे रखती है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको अल्लू अर्जुन के अलग अलग रोल नज़र आने वाले हैं। वैसे एक ही रोल है पर वो अलग अलग कैरेक्टर में होते हैं, जैसे कि आप यह इमेजेस देखकर मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको साफ साफ मालूम पड़ जाएगा कि जो अल्लू अर्जुन है उनके आपको अलग अलग कैरेक्टर नज़र आने वाले हैं। वैसे दोस्तों इस मूवी का शॉर्ट नाम डीजे था, पर इस मूवी का फुल नेम डुव्वाड़ा जगन्नाधम था। इस मूवी को 2017 में रिलीज़ किया था और यह एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जो 2 घंटे की है और यह मूवी आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर मैं बात करूँ इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 5.8 की, जो काफ़ी गजब की रेटिंग है। और वहीं पर 79% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था। मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था हरीश शंकर ने और दोस्तों यह बहुत ही बड़ी हिट मूवी रही थी, क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन 50 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 115 करोड़ की कमाई कर ली थी। यानी कि यह मूवी हिट हो चुकी थी, क्योंकि हिट का टैग लेने के लिए कम से कम 100 करोड़ तो करने चाहिए थे और इस मूवी ने 115 करोड़ का कलेक्शन किया था। यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी हिट हुई थी और इस मूवी के सारे सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और इस मूवी में जो म्यूजिक है वो दिया है देवी श्री प्रसाद ने, जो गजब का है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ इस मूवी के कास्ट के बारे में तो मूवी के मेन कास्ट में आपको देखने को मिलने वाले हैं अल्लू अर्जुन, पूजा हैगड़े, वेन्नेला किशोर, राव रमेश, मुरली शर्मा, हरीश उथनम, पोसानी कृष्णा, सुब्बाराजू, प्रभाकर और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जिनकी एक्टिंग काफ़ी दमदार है। और इस मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है, जिसमें आपको अल्लू अर्जुन का एक नया लुक देखने को मिलने वाला है। यानी कि एक पंडित का लुक आपको देखने को मिलने वाला है जो शादियों के अंदर रसोई बनाते हैं, बट उनका दिखावा कुछ और था और अंदर से कुछ और थे। बस वो सिर्फ दिखावा करते थे कि वो पंडित थे, बट अंदर से, जैसे कि आपने वो मूवी देखी होगी अपरिचित, तो उसमें कैसा होता था कि जो हीरो था वो दिखने में एकदम शरीफ लगता था पर जब रात होती तो सबकी बचा देता था। तो यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जो अल्लू अर्जुन है उनका लुक तो काफ़ी दमदार था ही, पर उनकी एक्टिंग इस मूवी में बहुत ही बेहतरीन थी। यहाँ पर जो पूजा हैगड़े है उनकी एक्टिंग आपको कहीं कहीं जगह पर लगेगा कि ये ओवर एक्टिंग कर रही है। और वैसे दोस्तों जो डीजे होते हैं इस मूवी के अंदर, उनका जो कैरेक्टर है पंडित वाला वो एकदम भोला कैरेक्टर है, किसी को लगेगा नहीं कि किसी को मार सकता है। बट जैसे मूवी 30 मिनट से आगे बढ़ती है तो हमें मालूम पड़ता है कि डीजे का कुछ और ही लुक था, मतलब उनका कुछ काम और ही था, बस ये तो उनका एक साइड काम था जिसमें वो पंडित का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। तो मूवी में आपको बहुत जगह पर एक्शन सीन देखने को मिलने वाले हैं और इस मूवी में जो डायलॉग बाजी है वो काफ़ी दमदार है और इस मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी है, तो आपको मूवी देखने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो ओवरऑल दोस्तों मूवी की जो स्टोरी है वही आपको दिखाई जाएंगी कि कैसे एक पंडित, उसके ऊपर कैसे लोग हमला कर देते हैं। जब उसने कुछ किया ही नहीं था तब उसके ऊपर लोग हमला करते हैं, तो उसने डिसाइड कर लिया था कि वो कैसे भी कर सब ठीक करेगा। तो वो 2 लुक में आ जाता है, पहला वो लुक पंडित वाला और दूसरा एक बिजनेसमैन, जिसमें उनका लुक काफ़ी दमदार होता है। तो यानी कि यहाँ पर आपको 2 अलग अलग लुक देखने को मिलने वाले हैं। और जो यहाँ पर अल्लू अर्जुन, उनकी एक्टिंग तो भाई साहब एकदम कड़क थी। जो इस मूवी के अंदर विलन है उनका भी लुक काफ़ी तगड़ा है और वो भी काफ़ी तगड़े थे। जैसे हर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है वैसे इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो मूवी में दोस्तों आपको कॉमेडी सीन बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर जो वेन्नेला किशोर है उनकी भी काफ़ी दमदार एक्टिंग थी और वो भी बहुत जगह पर कॉमेडी क्रिएट करते हैं और अल्लू अर्जुन भी यहाँ पर बहुत जगह पर कॉमेडी क्रिएट करते हैं। तो पूजा हैगड़े पहले जब मिलती है डीजे से तो उनकी मजाक बनाती है, क्योंकि उनका लुक ही ऐसा था, उसे देखकर वो उनकी मजाक बनाती है। बट जब उनके बारे में उसको सब कुछ मालूम पड़ता है तो वो तो एकदम शौक रह जाती है। आपने धनुष की मूवी का वो डायलॉग तो ज़रूर सुना होगा, कभी किसी का हुलिया देखकर जज नहीं करना है, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है। तो यहाँ पर भी अल्लू अर्जुन वैसे ही होते हैं। तो बस दोस्तों मूवी की जो ओवरऑल स्टोरी है वही है कि जो पंडित है वो कैसे अपने अलग रूप में आ जाते हैं और कैसे लोगों को मारते हैं, कैसे बदला लेते हैं, वो सब कुछ आपको मूवी के अंदर दिखाया जाएगा। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आप इस मूवी की कहानी आराम से समझ जाएंगे। वैसे आप इस मूवी को 2 बार देख सकते हैं। मूवी काफ़ी दमदार थी और मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी थी। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलेंगी। तो अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको दोस्तों यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी, क्योंकि यूट्यूब पर इस मूवी को प्राइवेट कर लिया गया है। बट अगर आपको इस मूवी को फ्री में देखना है तो यह मूवी आपको MX प्लेयर के ऑफिशियल ऐप पर हिंदी भाषा में मिल जाएंगी। तो आप इस मूवी को MX प्लेयर पर जाकर आसानी से देख पाओगे। वहाँ पर बस कुछ ऐड आएंगे, पर बाद में आप इस मूवी को आराम से एंजॉय कर सकते हो, वो भी अच्छी क्वालिटी में। तो वहाँ पर दोस्तों यह मूवी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल है। तो जाइए MX प्लेयर के ऊपर और इस मूवी को आराम से देखिए, और साथ में जो अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर है उनको भी आप इस मूवी को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि मूवी काफ़ी तगड़ी है। तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर देख सकते हो। सो नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की डीजे मूवी के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं, वो भी एकदम फ्री में, तो आप सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहां पर देख पाएंगे। तो अगर आप इस मूवी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए। और यहां पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करेंगे और कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको इस मूवी के बारे में बताने वाले हैं जो शायद आपने नहीं सुने होंगे। वैसे मूवी दोस्तों काफ़ी कमाल की है, तो आप इस मूवी को 2 बार तो देख ही सकते हो। और यह मूवी दोस्तों बहुत ही बड़ी हिट मूवी हो चुकी थी। पहले मैं यहाँ पर इस मूवी की कुछ बेसिक डिटेल के बारे में आपको बताऊँगा, बाद में यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलेगी वो भी बताने वाला हूँ। इस मूवी को एक्सप्लेन तो करेंगे ही, साथ में आपको बहुत सारे फैक्ट इस मूवी के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और हो सके तो आप इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कर देना। यह मूवी दोस्तों आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक बांधे रखती है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको अल्लू अर्जुन के अलग अलग रोल नज़र आने वाले हैं। वैसे एक ही रोल है, पर वो अलग अलग कैरेक्टर में होते हैं, जैसे कि आप यह इमेजेस देखकर मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको साफ साफ मालूम पड़ जाएगा कि जो अल्लू अर्जुन है उनके आपको अलग अलग कैरेक्टर नज़र आने वाले हैं। वैसे दोस्तों इस मूवी का शॉर्ट नाम डीजे था, पर इस मूवी का फुल नेम डुव्वाड़ा जगन्नाधम था। इस मूवी को 2017 में रिलीज़ किया था, और यह एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जो 2 घंटे की है। और यह मूवी आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर मैं बात करूँ इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 5.8 की, जो काफ़ी गजब की रेटिंग है। और वहीं पर 79% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था। मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था हरीश शंकर ने। और दोस्तों यह बहुत ही बड़ी हिट मूवी रही थी, क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन 50 करोड़ का था, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 115 करोड़ की कमाई कर ली थी। यानी कि यह मूवी हिट हो चुकी थी, क्योंकि हिट का टैग लेने के लिए कम से कम 100 करोड़ तो करने चाहिए थे, और इस मूवी ने 115 करोड़ का कलेक्शन किया था। यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी हिट हुई थी। और इस मूवी के सारे सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं, और इस मूवी में जो म्यूजिक है वो दिया है देवी श्री प्रसाद ने, जो गजब का है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो मूवी के मेन कास्ट में आपको देखने को मिलने वाले हैं अल्लू अर्जुन, पूजा हैगड़े, वेन्नेला किशोर, राव रमेश, मुरली शर्मा, हरीश उथनम, पोसानी कृष्णा, सुब्बाराजू, प्रभाकर, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जिनकी एक्टिंग काफ़ी दमदार है। और इस मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है, जिसमें आपको अल्लू अर्जुन का एक नया लुक देखने को मिलने वाला है। यानी कि एक पंडित का लुक आपको देखने को मिलने वाला है, जो शादियों के अंदर रसोई बनाते हैं, बट उनका दिखावा कुछ और था और अंदर से कुछ और थे। बस वो सिर्फ दिखावा करते थे कि वो पंडित थे, बट अंदर से जैसे कि आपने वो मूवी देखी होगी अपरिचित, तो उसमें कैसा होता था कि जो हीरो था वो दिखने में एकदम शरीफ लगता था, पर जब रात होती तो सबकी बचा देता था। तो यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जो अल्लू अर्जुन है उनका लुक तो काफ़ी दमदार था ही, पर उनकी एक्टिंग इस मूवी में बहुत ही बेहतरीन थी। यहाँ पर जो पूजा हैगड़े है उनकी एक्टिंग आपको कहीं कहीं जगह पर लगेगा कि ये ओवर एक्टिंग कर रही है। और वैसे दोस्तों जो डीजे होते हैं इस मूवी के अंदर, उनका जो कैरेक्टर है पंडित वाला, वो एकदम भोला कैरेक्टर है, किसी को लगेगा नहीं कि किसी को मार सकता है। बट जैसे मूवी 30 मिनट से आगे बढ़ती है तो हमें मालूम पड़ता है कि डीजे का कुछ और ही लुक था, मतलब उनका कुछ काम और ही था, बस ये तो उनका एक साइड काम था जिसमें वो पंडित का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। तो मूवी में आपको बहुत जगह पर एक्शन सीन देखने को मिलने वाले हैं, और इस मूवी में जो डायलॉग बाजी है वो काफ़ी दमदार है, और इस मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी है, तो आपको मूवी देखने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो ओवरऑल दोस्तों मूवी की जो स्टोरी है वही आपको दिखाई जाएंगी कि कैसे एक पंडित, उसके ऊपर कैसे लोग हमला कर देते हैं, जब उसने कुछ किया ही नहीं था तब उसके ऊपर लोग हमला करते हैं। तो उसने डिसाइड कर लिया था कि वो कैसे भी कर सब ठीक करेगा। तो वो दो लुक में आ जाता है, पहला वो लुक पंडित वाला और दूसरा एक बिजनेसमैन, जिसमें उनका लुक काफ़ी दमदार होता है। तो यानी कि यहाँ पर आपको दो अलग अलग लुक देखने को मिलने वाले हैं। और जो यहाँ पर अल्लू अर्जुन, उनकी एक्टिंग तो भाई साहब एकदम कड़क थी। जो इस मूवी के अंदर विलन है उनका भी लुक काफ़ी तगड़ा है, और वो भी काफ़ी तगड़े थे। जैसे हर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है वैसे इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो मूवी में दोस्तों आपको कॉमेडी सीन बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर जो वेन्नेला किशोर है उनकी भी काफ़ी दमदार एक्टिंग थी, और वो भी बहुत जगह पर कॉमेडी क्रिएट करते हैं, और अल्लू अर्जुन भी यहाँ पर बहुत जगह पर कॉमेडी क्रिएट करते हैं। तो पूजा हैगड़े पहले जब मिलती है डीजे से तो उनकी मजाक बनाती है, क्योंकि उनका लुक ही ऐसा था, उसे देखकर वो उनकी मजाक बनाती है। बट जब उनके बारे में उसको सब कुछ मालूम पड़ता है तो वो तो एकदम शॉक रह जाती है। आपने धनुष की मूवी का वो डायलॉग तो ज़रूर सुना होगा, कभी किसी का हुलिया देखकर जज नहीं करना है, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है। तो यहाँ पर भी अल्लू अर्जुन वैसे ही होते हैं। तो बस दोस्तों मूवी की जो ओवरऑल स्टोरी है वही है कि जो पंडित है वो कैसे अपने अलग रूप में आ जाते हैं और कैसे लोगों को मारते हैं, कैसे बदला लेते हैं, वो सब कुछ आपको मूवी के अंदर दिखाया जाएगा। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आप इस मूवी की कहानी आराम से समझ जाएंगे। वैसे आप इस मूवी को 2 बार देख सकते हैं, मूवी काफ़ी दमदार थी और मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी थी। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलेंगी। तो अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको दोस्तों यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी, क्योंकि यूट्यूब पर इस मूवी को प्राइवेट कर लिया गया है। बट अगर आपको इस मूवी को फ्री में देखना है तो यह मूवी आपको MX प्लेयर के ऑफिशियल ऐप पर हिंदी भाषा में मिल जाएंगी। तो आप इस मूवी को MX प्लेयर पर जाकर आसानी से देख पाओगे। वहाँ पर बस कुछ ऐड आएंगे, पर बाद में आप इस मूवी को आराम से एंजॉय कर सकते हो, वो भी अच्छी क्वालिटी में। तो वहाँ पर दोस्तों यह मूवी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल है। तो जाइए MX प्लेयर के ऊपर और इस मूवी को आराम से देखिए, और साथ में जो अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर है उनको भी आप इस मूवी को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि मूवी काफ़ी तगड़ी है। तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर देख सकते हो। सो नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की डीजे मूवी के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं, वो भी एकदम फ्री में, तो आप सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे। तो अगर आप इस मूवी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए। और यहाँ पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करेंगे, और कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको इस मूवी के बारे में बताने वाले हैं जो शायद आपने नहीं सुने होंगे। वैसे मूवी दोस्तों काफ़ी कमाल की है, तो आप इस मूवी को 2 बार तो देख ही सकते हो। और यह मूवी दोस्तों बहुत ही बड़ी हिट मूवी हो चुकी थी। पहले मैं यहाँ पर इस मूवी की कुछ बेसिक डिटेल के बारे में आपको बताऊँगा, बाद में यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलेगी वो भी बताने वाला हूँ। इस मूवी को एक्सप्लेन तो करेंगे ही, साथ में आपको बहुत सारे फैक्ट इस मूवी के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और हो सके तो आप इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कर देना। यह मूवी दोस्तों आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक बांधे रखती है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको अल्लू अर्जुन के अलग अलग रोल नज़र आने वाले हैं। वैसे एक ही रोल है पर वो अलग अलग कैरेक्टर में होते हैं, जैसे कि आप यह इमेजेस देखकर मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको साफ साफ मालूम पड़ जाएगा कि जो अल्लू अर्जुन है उनके आपको अलग अलग कैरेक्टर नज़र आने वाले हैं। वैसे दोस्तों इस मूवी का शॉर्ट नाम डीजे था, पर इस मूवी का फुल नेम डुव्वाड़ा जगन्नाधम था। इस मूवी को 2017 में रिलीज़ किया था और यह एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जो 2 घंटे की है और यह मूवी आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर मैं बात करूँ इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 5.8 की, जो काफ़ी गजब की रेटिंग है। और वहीं पर 79% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था। मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था हरीश शंकर ने और दोस्तों यह बहुत ही बड़ी हिट मूवी रही थी, क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन 50 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 115 करोड़ की कमाई कर ली थी। यानी कि यह मूवी हिट हो चुकी थी, क्योंकि हिट का टैग लेने के लिए कम से कम 100 करोड़ तो करने चाहिए थे और इस मूवी ने 115 करोड़ का कलेक्शन किया था। यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी हिट हुई थी और इस मूवी के सारे सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और इस मूवी में जो म्यूजिक है वो दिया है देवी श्री प्रसाद ने, जो गजब का है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो मूवी के मेन कास्ट में आपको देखने को मिलने वाले हैं अल्लू अर्जुन, पूजा हैगड़े, वेन्नेला किशोर, राव रमेश, मुरली शर्मा, हरीश उथनम, पोसानी कृष्णा, सुब्बाराजू, प्रभाकर और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जिनकी एक्टिंग काफ़ी दमदार है। और इस मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है, जिसमें आपको अल्लू अर्जुन का एक नया लुक देखने को मिलने वाला है। यानी कि एक पंडित का लुक आपको देखने को मिलने वाला है जो शादियों के अंदर रसोई बनाते हैं, बट उनका दिखावा कुछ और था और अंदर से कुछ और थे। बस वो सिर्फ दिखावा करते थे कि वो पंडित थे, बट अंदर से, जैसे कि आपने वो मूवी देखी होगी अपरिचित, तो उसमें कैसा होता था कि जो हीरो था वो दिखने में एकदम शरीफ लगता था, पर जब रात होती तो सबकी बचा देता था। तो यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जो अल्लू अर्जुन है उनका लुक तो काफ़ी दमदार था ही, पर उनकी एक्टिंग इस मूवी में बहुत ही बेहतरीन थी। यहाँ पर जो पूजा हैगड़े है उनकी एक्टिंग आपको कहीं कहीं जगह पर लगेगा कि ये ओवर एक्टिंग कर रही है। और वैसे दोस्तों जो डीजे होते हैं इस मूवी के अंदर, उनका जो कैरेक्टर है पंडित वाला, वो एकदम भोला कैरेक्टर है, किसी को लगेगा नहीं कि किसी को मार सकता है। बट जैसे मूवी 30 मिनट से आगे बढ़ती है तो हमें मालूम पड़ता है कि डीजे का कुछ और ही लुक था, मतलब उनका कुछ काम और ही था। बस ये तो उनका एक साइड काम था जिसमें वो पंडित का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। तो मूवी में आपको बहुत जगह पर एक्शन सीन देखने को मिलने वाले हैं और इस मूवी में जो डायलॉग बाजी है वो काफ़ी दमदार है और इस मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी है, तो आपको मूवी देखने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो ओवरऑल दोस्तों मूवी की जो स्टोरी है वही आपको दिखाई जाएंगी कि कैसे एक पंडित, उसके ऊपर कैसे लोग हमला कर देते हैं। जब उसने कुछ किया ही नहीं था तब उसके ऊपर लोग हमला करते हैं, तो उसने डिसाइड कर लिया था कि वो कैसे भी कर सब ठीक करेगा। तो वो 2 लुक में आ जाता है, पहला वो लुक पंडित वाला और दूसरा एक बिजनेसमैन, जिसमें उनका लुक काफ़ी दमदार होता है। तो यानी कि यहाँ पर आपको 2 अलग अलग लुक देखने को मिलने वाले हैं। और जो यहाँ पर अल्लू अर्जुन, उनकी एक्टिंग तो भाई साहब एकदम कड़क थी। जो इस मूवी के अंदर विलन है उनका भी लुक काफ़ी तगड़ा है और वो भी काफ़ी तगड़े थे। जैसे हर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है वैसे इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो मूवी में दोस्तों आपको कॉमेडी सीन बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर जो वेन्नेला किशोर है उनकी भी काफ़ी दमदार एक्टिंग थी और वो भी बहुत जगह पर कॉमेडी क्रिएट करते हैं और अल्लू अर्जुन भी यहाँ पर बहुत जगह पर कॉमेडी क्रिएट करते हैं। तो पूजा हैगड़े पहले जब मिलती है डीजे से तो उनकी मजाक बनाती है, क्योंकि उनका लुक ही ऐसा था, उसे देखकर वो उनकी मजाक बनाती है। बट जब उनके बारे में उसको सब कुछ मालूम पड़ता है तो वो तो एकदम शौक रह जाती है। आपने धनुष की मूवी का वो डायलॉग तो ज़रूर सुना होगा, कभी किसी का हुलिया देखकर जज नहीं करना, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है। तो यहाँ पर भी अल्लू अर्जुन वैसे ही होते हैं। तो बस दोस्तों मूवी की जो ओवरऑल स्टोरी है वही है कि जो पंडित है वो कैसे अपने अलग रूप में आ जाते हैं और कैसे लोगों को मारते हैं, कैसे बदला लेते हैं, वो सब कुछ आपको मूवी के अंदर दिखाया जाएगा। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आप इस मूवी की कहानी आराम से समझ जाएंगे। वैसे आप इस मूवी को 2 बार देख सकते हैं, मूवी काफ़ी दमदार थी और मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी थी। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलेंगी। तो अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको दोस्तों यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी, क्योंकि यूट्यूब पर इस मूवी को प्राइवेट कर लिया गया है। बट अगर आपको इस मूवी को फ्री में देखना है तो यह मूवी आपको MX प्लेयर के ऑफिशियल ऐप पर हिंदी भाषा में मिल जाएंगी। तो आप इस मूवी को MX प्लेयर पर जाकर आसानी से देख पाओगे। वहाँ पर बस कुछ ऐड आएंगे, पर बाद में आप इस मूवी को आराम से एंजॉय कर सकते हो, वो भी अच्छी क्वालिटी में। तो वहाँ पर दोस्तों यह मूवी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल है। तो जाइए MX प्लेयर के ऊपर और इस मूवी को आराम से देखिए, और साथ में जो अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर है उनको भी आप इस मूवी को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि मूवी काफ़ी तगड़ी है। तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर देख सकते हो। सो नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की डीजे मूवी के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं, वो भी एकदम फ्री में, तो आप सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे। तो अगर आप इस मूवी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए। और यहाँ पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करेंगे और कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको इस मूवी के बारे में बताने वाले हैं जो शायद आपने नहीं सुने होंगे। वैसे मूवी दोस्तों काफ़ी कमाल की है, तो आप इस मूवी को 2 बार तो देख ही सकते हो। और यह मूवी दोस्तों बहुत ही बड़ी हिट मूवी हो चुकी थी। पहले मैं यहाँ पर इस मूवी की कुछ बेसिक डिटेल के बारे में आपको बताऊंगा, बाद में यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलेंगी वो भी बताने वाला हूँ। इस मूवी को एक्सप्लेन तो करेंगे ही, साथ में आपको बहुत सारे फैक्ट इस मूवी के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और हो सके तो आप इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कर देना। यह मूवी दोस्तों आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक बांधे रखती है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको अल्लू अर्जुन के अलग अलग रोल नज़र आने वाले हैं। वैसे एक ही रोल है, पर वो अलग अलग कैरेक्टर में होते हैं, जैसे कि आप यह इमेजेस देखकर मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको साफ साफ मालूम पड़ जाएगा कि जो अल्लू अर्जुन है उनके आपको अलग अलग कैरेक्टर नज़र आने वाले हैं। वैसे दोस्तों इस मूवी का शॉर्ट नाम डीजे था, पर इस मूवी का फुल नेम डुव्वाड़ा जगन्नाधम था। इस मूवी को 2017 में रिलीज़ किया था, और यह एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जो 2 घंटे की है। और यह मूवी आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर मैं बात करूँ इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 5.8 की, जो काफ़ी गजब की रेटिंग है। और वहीं पर 79% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था। मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था हरीश शंकर ने। और दोस्तों यह बहुत ही बड़ी हिट मूवी रही थी, क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन 50 करोड़ का था, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 115 करोड़ की कमाई कर ली थी। यानी कि यह मूवी हिट हो चुकी थी, क्योंकि हिट का टैग लेने के लिए कम से कम 100 करोड़ तो करने चाहिए थे, और इस मूवी ने 115 करोड़ का कलेक्शन किया था। यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी हिट हुई थी। और इस मूवी के सारे सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं, और इस मूवी में जो म्यूजिक है वो दिया है देवी श्री प्रसाद ने, जो गजब का है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो मूवी के मेन कास्ट में आपको देखने को मिलने वाले हैं अल्लू अर्जुन, पूजा हैगड़े, वेन्नेला किशोर, राव रमेश, मुरली शर्मा, हरीश उथनम, पोसानी कृष्णा, सुब्बाराजू, प्रभाकर, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जिनकी एक्टिंग काफ़ी दमदार है। और इस मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है, जिसमें आपको अल्लू अर्जुन का एक नया लुक देखने को मिलने वाला है। यानी कि एक पंडित का लुक आपको देखने को मिलने वाला है, जो शादियों के अंदर रसोई बनाते हैं, बट उनका दिखावा कुछ और था और अंदर से कुछ और थे। बस वो सिर्फ दिखावा करते थे कि वो पंडित थे, बट अंदर से, जैसे कि आपने वो मूवी देखी होगी अपरिचित, तो उसमें कैसा होता था कि जो हीरो था वो दिखने में एकदम शरीफ लगता था, पर जब रात होती तो सबकी बचा देता था। तो यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जो अल्लू अर्जुन है उनका लुक तो काफ़ी दमदार था ही, पर उनकी एक्टिंग इस मूवी में बहुत ही बेहतरीन थी। यहाँ पर जो पूजा हैगड़े है उनकी एक्टिंग आपको कहीं कहीं जगह पर लगेगा कि ये ओवर एक्टिंग कर रही है, और वैसे दोस्तों जो डीजे होते हैं इस मूवी के अंदर, उनका जो कैरेक्टर है पंडित वाला, वो एकदम भोला कैरेक्टर है, किसी को लगेगा नहीं कि किसी को मार सकता है। बट जैसे मूवी 30 मिनट से आगे बढ़ती है तो हमें मालूम पड़ता है कि डीजे का कुछ और ही लुक था, मतलब उनका कुछ काम और ही था, बस ये तो उनका एक साइड काम था जिसमें वो पंडित का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। तो मूवी में आपको बहुत जगह पर एक्शन सीन देखने को मिलने वाले हैं और इस मूवी में जो डायलॉग बाजी है वो काफ़ी दमदार है और इस मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी है, तो आपको मूवी देखने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो ओवरऑल दोस्तों मूवी की जो स्टोरी है वही आपको दिखाई जाएंगी कि कैसे एक पंडित, उसके ऊपर कैसे लोग हमला कर देते हैं, जब उसने कुछ किया ही नहीं था तब उसके ऊपर लोग हमला करते हैं। तो उसने डिसाइड कर लिया था कि वो कैसे भी कर कर सब ठीक करेगा। तो वो दो लुक में आ जाता है, पहला वो लुक पंडित वाला और दूसरा एक बिजनेसमैन, जिसमें उनका लुक काफ़ी दमदार होता है। तो यानी कि यहाँ पर आपको दो अलग अलग लुक देखने को मिलने वाले हैं। और जो यहाँ पर अल्लू अर्जुन, उनकी एक्टिंग तो भाई साहब एकदम कड़क थी। जो इस मूवी के अंदर विलन है उनका भी लुक काफ़ी तगड़ा है और वो भी काफ़ी तगड़े थे। जैसे हर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है वैसे इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो मूवी में दोस्तों आपको कॉमेडी सीन बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर जो वेन्नेला किशोर है उनकी भी काफ़ी दमदार एक्टिंग थी और वो भी बहुत जगह पर कॉमेडी क्रिएट करते हैं और अल्लू अर्जुन भी यहाँ पर बहुत जगह पर कॉमेडी क्रिएट करते हैं। तो पूजा हैगड़े पहले जब मिलती है डीजे से तो उनकी मजाक बनाती है, क्योंकि उनका लुक ही ऐसा था, उसे देखकर वो उनकी मजाक बनाती है। बट जब उनके बारे में उसको सब कुछ मालूम पड़ता है तो वो तो एकदम शॉक रह जाती है। आपने धनुष की मूवी का वो डायलॉग तो ज़रूर सुना होगा, कभी किसी का हुलिया देखकर जज नहीं करना है, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है। तो यहाँ पर भी अल्लू अर्जुन वैसे ही होते हैं। तो बस दोस्तों मूवी की जो ओवरऑल स्टोरी है वही है कि जो पंडित है वो कैसे अपने अलग रूप में आ जाते हैं और कैसे लोगों को मारते हैं, कैसे बदला लेते हैं, वो सब कुछ आपको मूवी के अंदर दिखाया जाएगा। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आप इस मूवी की कहानी आराम से समझ जाएंगे। वैसे आप इस मूवी को 2 बार देख सकते हैं, मूवी काफ़ी दमदार थी और मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी थी। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलेंगी। तो अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको दोस्तों यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी, क्योंकि यूट्यूब पर इस मूवी को प्राइवेट कर लिया गया है। बट अगर आपको इस मूवी को फ्री में देखना है तो यह मूवी आपको MX प्लेयर के ऑफिशियल ऐप पर हिंदी भाषा में मिल जाएंगी। तो आप इस मूवी को MX प्लेयर पर जाकर आसानी से देख पाओगे। वहाँ पर बस कुछ ऐड आएंगे, पर बाद में आप इस मूवी को आराम से एंजॉय कर सकते हो, वो भी अच्छी क्वालिटी में। तो वहाँ पर दोस्तों यह मूवी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल है। तो जाइए MX प्लेयर के ऊपर और इस मूवी को आराम से देखिए और साथ में जो अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर है उनको भी आप इस मूवी को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि मूवी काफ़ी तगड़ी है। तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर देख सकते हो। सो नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की डीजे मूवी के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं, वो भी एकदम फ्री में, तो आप सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे। तो अगर आप इस मूवी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए। और यहाँ पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करेंगे और कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको इस मूवी के बारे में बताने वाले हैं जो शायद आपने नहीं सुने होंगे। वैसे मूवी दोस्तों काफ़ी कमाल की है, तो आप इस मूवी को 2 बार तो देख ही सकते हो। और यह मूवी दोस्तों बहुत ही बड़ी हिट मूवी हो चुकी थी। पहले मैं यहाँ पर इस मूवी की कुछ बेसिक डिटेल के बारे में आपको बताऊंगा, बाद में यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलेगी वो भी बताने वाला हूँ। इस मूवी को एक्सप्लेन तो करेंगे ही, साथ में आपको बहुत सारे फैक्ट इस मूवी के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हो सके तो आप इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कर देना। यह मूवी दोस्तों आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक बांधे रखती है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको अल्लू अर्जुन के अलग अलग रोल नज़र आने वाले हैं। वैसे एक ही रोल है पर वो अलग अलग कैरेक्टर में होते हैं, जैसे कि आप यह इमेजेस देखकर मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको साफ साफ मालूम पड़ जाएगा कि जो अल्लू अर्जुन है उनके आपको अलग अलग कैरेक्टर नज़र आने वाले हैं। वैसे दोस्तों इस मूवी का शॉर्ट नाम डीजे था, पर इस मूवी का फुल नेम डुव्वाड़ा जगन्नाधम था। इस मूवी को 2017 में रिलीज़ किया था और यह एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जो 2 घंटे की है और यह मूवी आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर मैं बात करूँ इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 5.8 की, जो काफ़ी गजब की रेटिंग है और वहीं पर 79% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था। मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था हरीश शंकर ने और दोस्तों यह बहुत ही बड़ी हिट मूवी रही थी क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन 50 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 115 करोड़ की कमाई कर ली थी, यानी कि यह मूवी हिट हो चुकी थी क्योंकि हिट का टैग लेने के लिए कम से कम 100 करोड़ तो करने चाहिए थे और इस मूवी ने 115 करोड़ का कलेक्शन किया था, यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी हिट हुई थी। और इस मूवी के सारे सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और इस मूवी में जो म्यूजिक है वो दिया है देवी श्री प्रसाद ने जो गजब का है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ इस मूवी के कास्ट के बारे में तो मूवी के मेन कास्ट में आपको देखने को मिलने वाले हैं अल्लू अर्जुन, पूजा हैगड़े, वेन्नेला किशोर, राव रमेश, मुरली शर्मा, हरीश उथनम, पोसानी कृष्णा, सुब्बाराजू, प्रभाकर और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जिनकी एक्टिंग काफ़ी दमदार है। और इस मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है जिसमें आपको अल्लू अर्जुन का एक नया लुक देखने को मिलने वाला है, यानी कि एक पंडित का लुक आपको देखने को मिलने वाला है जो शादियों के अंदर रसोई बनाते हैं, बट उनका दिखावा कुछ और था और अंदर से कुछ और थे। बस वो सिर्फ दिखावा करते थे कि वो पंडित थे बट अंदर से, जैसे कि आपने वो मूवी देखी होगी अपरिचित, तो उसमें कैसा होता था कि जो हीरो था वो दिखने में एकदम शरीफ लगता था पर जब रात होती तो सबकी बचा देता था। तो यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है क्योंकि जो अल्लू अर्जुन है उनका लुक तो काफ़ी दमदार था ही पर उनकी एक्टिंग इस मूवी में बहुत ही बेहतरीन थी। यहाँ पर जो पूजा हैगड़े है उनकी एक्टिंग आपको कहीं कहीं जगह पर लगेगा कि ये ओवर एक्टिंग कर रही है। और वैसे दोस्तों जो DJ होते हैं इस मूवी के अंदर उनका जो कैरेक्टर है पंडित वाला वो एकदम भोला कैरेक्टर है, किसी को लगेगा नहीं कि किसी को मार सकता है बट जैसे मूवी 30 मिनट से आगे बढ़ती है तो हमें मालूम पड़ता है कि DJ का कुछ और ही लुक था, मतलब उनका कुछ काम और ही था, बस ये तो उनका एक साइड काम था जिसमें वो पंडित का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। तो मूवी में आपको बहुत जगह पर एक्शन सीन देखने को मिलने वाले हैं और इस मूवी में जो डायलॉग बाजी है वो काफ़ी दमदार है और इस मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी है तो आपको मूवी देखने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो ओवरऑल दोस्तों मूवी की जो स्टोरी है वही आपको दिखाई जाएंगी कि कैसे एक पंडित, उसके ऊपर कैसे लोग हमला कर देते हैं, जब उसने कुछ किया ही नहीं था तब उसके ऊपर लोग हमला करते हैं तो उसने डिसाइड कर लिया था कि वो कैसे भी कर सब ठीक करेगा। तो वो 2 लुक में आ जाता है, पहला वो लुक पंडित वाला और दूसरा एक बिजनेसमैन जिसमें उनका लुक काफ़ी दमदार होता है। तो यानी कि यहाँ पर आपको 2 अलग अलग लुक देखने को मिलने वाले हैं और जो यहाँ पर अल्लू अर्जुन उनकी एक्टिंग तो भाई साहब एकदम कड़क थी। जो इस मूवी के अंदर विलन है उनका भी लुक काफ़ी तगड़ा है और वो भी काफ़ी तगड़े थे। जैसे हर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है वैसे इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो मूवी में दोस्तों आपको कॉमेडी सीन बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर जो वेन्नेला किशोर है उनकी भी काफ़ी दमदार एक्टिंग थी और वो भी बहुत जगह पर कॉमेडी क्रिएट करते हैं और अल्लू अर्जुन भी यहाँ पर बहुत जगह पर कॉमेडी क्रिएट करते हैं। तो पूजा हैगड़े पहले जब मिलती है DJ से तो उनकी मजाक बनाती है क्योंकि उनका लुक ही ऐसा था, उसे देखकर वो उनकी मजाक बनाती है बट जब उनके बारे में उसको सब कुछ मालूम पड़ता है तो वो तो एकदम शॉक रह जाती है। आपने धनुष की मूवी का वो डायलॉग तो ज़रूर सुना होगा, कभी किसी का हुलिया देखकर जज नहीं करना क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है। तो यहाँ पर भी अल्लू अर्जुन वैसे ही होते हैं। तो बस दोस्तों मूवी की जो ओवरऑल स्टोरी है वही है कि जो पंडित है वो कैसे अपने अलग रूप में आ जाते हैं और कैसे लोगों को मारते हैं, कैसे बदला लेते हैं, वो सब कुछ आपको मूवी के अंदर दिखाया जाएगा। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आप इस मूवी की कहानी आराम से समझ जाएंगे। वैसे आप इस मूवी को 2 बार देख सकते हैं, मूवी काफ़ी दमदार थी और मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी थी। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलेंगी। तो अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको दोस्तों YouTube पर नहीं मिलेंगी क्योंकि YouTube पर इस मूवी को प्राइवेट कर लिया गया है। बट अगर आपको इस मूवी को फ्री में देखना है तो यह मूवी आपको MX Player के ऑफिशियल ऐप पर हिंदी भाषा में मिल जाएंगी। तो आप इस मूवी को MX Player पर जाकर आसानी से देख पाओगे। वहाँ पर बस कुछ ऐड आएंगे, पर बाद में आप इस मूवी को आराम से एंजॉय कर सकते हो, वो भी अच्छी क्वालिटी में। तो वहाँ पर दोस्तों यह मूवी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल है, तो जाइए MX प्लेयर के ऊपर और इस मूवी को आराम से देखिए। और साथ में जो अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर है उनको भी आप इस मूवी को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि मूवी काफ़ी तगड़ी है। तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर देख सकते हो। सो नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की डीजे मूवी के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं, वो भी एकदम फ्री में, तो आप सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे। तो अगर आप इस मूवी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए। और यहाँ पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करेंगे और कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको इस मूवी के बारे में बताने वाले हैं जो शायद आपने नहीं सुने होंगे। वैसे मूवी दोस्तों काफ़ी कमाल की है, तो आप इस मूवी को 2 बार तो देख ही सकते हो। और यह मूवी दोस्तों बहुत ही बड़ी हिट मूवी हो चुकी थी। पहले मैं यहाँ पर इस मूवी की कुछ बेसिक डिटेल के बारे में आपको बताऊँगा, बाद में यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलेगी वो भी बताने वाला हूँ। इस मूवी को एक्सप्लेन तो करेंगे ही, साथ में आपको बहुत सारे फैक्ट इस मूवी के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और हो सके तो आप इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कर देना। यह मूवी दोस्तों आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक बांधे रखती है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको अल्लू अर्जुन के अलग अलग रोल नज़र आने वाले हैं। वैसे एक ही रोल है, पर वो अलग अलग कैरेक्टर में होते हैं, जैसे कि आप यह इमेजेस देखकर मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको साफ साफ मालूम पड़ जाएगा कि जो अल्लू अर्जुन है उनके आपको अलग अलग कैरेक्टर नज़र आने वाले हैं। वैसे दोस्तों इस मूवी का शॉर्ट नाम डीजे था, पर इस मूवी का फुल नेम डुव्वाड़ा जगन्नाधम था। इस मूवी को 2017 में रिलीज़ किया था, और यह एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जो 2 घंटे की है, और यह मूवी आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर मैं बात करूँ इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 5.8 की, जो काफ़ी गजब की रेटिंग है। और वहीं पर 79% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था। मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था हरीश शंकर ने, और दोस्तों यह बहुत ही बड़ी हिट मूवी रही थी, क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन 50 करोड़ का था, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 115 करोड़ की कमाई कर ली थी। यानी कि यह मूवी हिट हो चुकी थी, क्योंकि हिट का टैग लेने के लिए कम से कम 100 करोड़ तो करने चाहिए थे, और इस मूवी ने 115 करोड़ का कलेक्शन किया था। यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी हिट हुई थी, और इस मूवी के सारे सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं, और इस मूवी में जो म्यूजिक है वो दिया है देवी श्री प्रसाद ने, जो गजब का है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो मूवी के मेन कास्ट में आपको देखने को मिलने वाले हैं अल्लू अर्जुन, पूजा हैगड़े, वेन्नेला किशोर, राव रमेश, मुरली शर्मा, हरीश उथनम, पोसानी कृष्णा, सुब्बाराजू, प्रभाकर, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जिनकी एक्टिंग काफ़ी दमदार है। और इस मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है, जिसमें आपको अल्लू अर्जुन का एक नया लुक देखने को मिलने वाला है। यानी कि एक पंडित का लुक आपको देखने को मिलने वाला है, जो शादियों के अंदर रसोई बनाते हैं, बट उनका दिखावा कुछ और था, वो अंदर से कुछ और थे। बस वो सिर्फ दिखावा करते थे कि वो पंडित थे, बट अंदर से, जैसे कि आपने वो मूवी देखी होगी अपरिचित, तो उसमें कैसा होता था कि जो हीरो था वो दिखने में एकदम शरीफ लगता था, पर जब रात होती तो सबकी बचा देता था। तो यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जो अल्लू अर्जुन है उनका लुक तो काफ़ी दमदार था ही, पर उनकी एक्टिंग इस मूवी में बहुत ही बेहतरीन थी। यहाँ पर जो पूजा हैगड़े है उनकी एक्टिंग आपको कहीं कहीं जगह पर लगेगा कि ये ओवर एक्टिंग कर रही है। और वैसे दोस्तों जो डीजे होते हैं इस मूवी के अंदर, उनका जो कैरेक्टर है पंडित वाला, वो एकदम भोला कैरेक्टर है, किसी को लगेगा नहीं कि किसी को मार सकता है। बट जैसे मूवी 30 मिनट से आगे बढ़ती है तो हमें मालूम पड़ता है कि डीजे का कुछ और ही लुक था, मतलब उनका कुछ काम और ही था, बस ये तो उनका एक साइड काम था जिसमें वो पंडित का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। तो मूवी में आपको बहुत जगह पर एक्शन सीन देखने को मिलने वाले हैं और इस मूवी में जो डायलॉग बाजी है वो काफ़ी दमदार है और इस मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी है, तो आपको मूवी देखने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो ओवरऑल दोस्तों मूवी की जो स्टोरी है वही आपको दिखाई जाएंगी कि कैसे एक पंडित उसके ऊपर कैसे लोग हमला कर देते हैं, जब उसने कुछ किया ही नहीं था तब उसके ऊपर लोग हमला करते हैं। तो उसने डिसाइड कर लिया था कि वो कैसे भी कर सब ठीक करेगा। तो वो दो लुक में आ जाता है, पहला वो लुक पंडित वाला और दूसरा एक बिजनेसमैन, जिसमें उनका लुक काफ़ी दमदार होता है। तो यानी कि यहाँ पर आपको दो अलग अलग लुक देखने को मिलने वाले हैं। और जो यहाँ पर अल्लू अर्जुन उनकी एक्टिंग तो भाई साहब एकदम कड़क थी। जो इस मूवी के अंदर विलन है उनका भी लुक काफ़ी तगड़ा है और वो भी काफ़ी तगड़े थे। जैसे हर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है वैसे इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो मूवी में दोस्तों आपको कॉमेडी सीन बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर जो वेन्नेला किशोर है उनकी भी काफ़ी दमदार एक्टिंग थी और वो भी बहुत जगह पर कॉमेडी क्रिएट करते हैं और अल्लू अर्जुन भी यहाँ पर बहुत जगह पर कॉमेडी क्रिएट करते हैं। तो पूजा हैगड़े पहले जब मिलती है डीजे से तो उनकी मजाक बनाती है, क्योंकि उनका लुक ही ऐसा था उसे देखकर वो उनकी मजाक बनाती है। बट जब उनके बारे में उसको सब कुछ मालूम पड़ता है तो वो तो एकदम शौक रह जाती है। आपने धनुष की मूवी का वो डायलॉग तो ज़रूर सुना होगा, कभी किसी का हुलिया देखकर जज नहीं करना है, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है। तो यहाँ पर भी अल्लू अर्जुन वैसे ही होते हैं। तो बस दोस्तों मूवी की जो ओवरऑल स्टोरी है वही है कि जो पंडित है वो कैसे अपने अलग रूप में आ जाते हैं और कैसे लोगों को मारते हैं, कैसे बदला लेते हैं, वो सब कुछ आपको मूवी के अंदर दिखाया जाएगा। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आप इस मूवी की कहानी आराम से समझ जाएंगे। वैसे आप इस मूवी को 2 बार देख सकते हैं। मूवी काफ़ी दमदार थी और मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी थी। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलेंगी। तो अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको दोस्तों यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी, क्योंकि यूट्यूब पर इस मूवी को प्राइवेट कर लिया गया है। बट अगर आपको इस मूवी को फ्री में देखना है तो यह मूवी आपको MX प्लेयर के ऑफिशियल ऐप पर हिंदी भाषा में मिल जाएंगी। तो आप इस मूवी को MX प्लेयर पर जाकर आसानी से देख पाओगे। वहाँ पर बस कुछ ऐड आएंगे, पर बाद में आप इस मूवी को आराम से एंजॉय कर सकते हो, वो भी अच्छी क्वालिटी में। तो वहाँ पर दोस्तों यह मूवी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल है। तो जाइए MX प्लेयर के ऊपर और इस मूवी को आराम से देखिए और साथ में जो अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर है उनको भी आप इस मूवी को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि मूवी काफ़ी तगड़ी है। तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर देख सकते हो। सो नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की डीजे मूवी के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं, वो भी एकदम फ्री में, तो आप सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहां पर देख पाएंगे। तो अगर आप इस मूवी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए। और यहां पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करेंगे और कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको इस मूवी के बारे में बताने वाले हैं जो शायद आपने नहीं सुने होंगे। वैसे मूवी दोस्तों काफ़ी कमाल की है, तो आप इस मूवी को 2 बार तो देख ही सकते हो। और यह मूवी दोस्तों बहुत ही बड़ी हिट मूवी हो चुकी थी। पहले मैं यहाँ पर इस मूवी की कुछ बेसिक डिटेल के बारे में आपको बताऊँगा, बाद में यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलेंगी वो भी बताने वाला हूँ। इस मूवी को एक्सप्लेन तो करेंगे ही, साथ में आपको बहुत सारे फैक्ट इस मूवी के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हो सके तो आप इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कर देना। यह मूवी दोस्तों आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक बांधे रखती है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको अल्लू अर्जुन के अलग अलग रोल नज़र आने वाले हैं। वैसे एक ही रोल है पर वो अलग अलग कैरेक्टर में होते हैं, जैसे कि आप यह इमेजेस देखकर मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको साफ साफ मालूम पड़ जाएगा कि जो अल्लू अर्जुन है उनके आपको अलग अलग कैरेक्टर नज़र आने वाले हैं। वैसे दोस्तों इस मूवी का शॉर्ट नाम डीजे था, पर इस मूवी का फुल नेम डुव्वाड़ा जगन्नाधम था। इस मूवी को 2017 में रिलीज़ किया था और यह एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जो 2 घंटे की है। और यह मूवी आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर मैं बात करूँ इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 5.8 की, जो काफ़ी गजब की रेटिंग है। और वहीं पर 79% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था। मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था हरीश शंकर ने। और दोस्तों ये बहुत ही बड़ी हिट मूवी रही थी, क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन 50 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 115 करोड़ की कमाई कर ली थी। यानी कि यह मूवी हिट हो चुकी थी, क्योंकि हिट का टैग लेने के लिए कम से कम 100 करोड़ तो करने चाहिए थे और इस मूवी ने 115 करोड़ का कलेक्शन किया था। यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी हिट हुई थी और इस मूवी के सारे सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और इस मूवी में जो म्यूजिक है वो दिया है देवी श्री प्रसाद ने, जो गजब का है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो मूवी के मेन कास्ट में आपको देखने को मिलने वाले हैं अल्लू अर्जुन, पूजा हैगड़े, वेन्नेला किशोर, राव रमेश, मुरली शर्मा, हरीश उथनम, पोसानी कृष्णा, सुब्बाराजू, प्रभाकर और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जिनकी एक्टिंग काफ़ी दमदार है। और इस मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है, जिसमें आपको अल्लू अर्जुन का एक नया लुक देखने को मिलने वाला है। यानी कि एक पंडित का लुक आपको देखने को मिलने वाला है जो शादियों के अंदर रसोई बनाते हैं, बट उनका दिखावा कुछ और था, वो अंदर से कुछ और थे। बस वो सिर्फ दिखावा करते थे कि वो पंडित है, बट अंदर से, जैसे कि आपने वो मूवी देखी होगी अपरिचित, तो उसमें कैसा होता था कि जो हीरो था वो दिखने में एकदम शरीफ लगता था, पर जब रात होती तो सबकी बचा देता था। तो यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जो अल्लू अर्जुन है उनका लुक तो काफ़ी दमदार था ही, पर उनकी एक्टिंग इस मूवी में बहुत ही बेहतरीन थी। यहाँ पर जो पूजा हैगड़े है उनकी एक्टिंग आपको कहीं कहीं जगह पर लगेगा कि ये ओवर एक्टिंग कर रही है। और वैसे दोस्तों जो डीजे होते हैं इस मूवी के अंदर, उनका जो कैरेक्टर है पंडित वाला, वो एकदम भोला कैरेक्टर है, किसी को लगेगा नहीं कि किसी को मार सकता है। बट जैसे मूवी 30 मिनट से आगे बढ़ती है तो हमें मालूम पड़ता है कि डीजे का कुछ और ही लुक था, मतलब उनका कुछ काम और ही था, बस ये तो उनका एक साइड काम था जिसमें वो पंडित का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। तो मूवी में आपको बहुत जगह पर एक्शन सीन देखने को मिलने वाले हैं और इस मूवी में जो डायलॉग बाजी है वो काफ़ी दमदार है और इस मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी है, तो आपको मूवी देखने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो ओवरऑल दोस्तों मूवी की जो स्टोरी है वही आपको दिखाई जाएंगी कि कैसे एक पंडित, उसके ऊपर कैसे लोग हमला कर देते हैं, जब उसने कुछ किया ही नहीं था तब उसके ऊपर लोग हमला करते हैं। तो उसने डिसाइड कर लिया था कि वो कैसे भी कर कर सब ठीक करेगा। तो वो दो लुक में आ जाता है, पहला वो लुक पंडित वाला और दूसरा एक बिजनेसमैन, जिसमें उनका लुक काफ़ी दमदार होता है। तो यानी कि यहाँ पर आपको दो अलग अलग लुक देखने को मिलने वाले हैं। और जो यहाँ पर अल्लू अर्जुन, उनकी एक्टिंग तो भाई साहब एकदम कड़क थी। जो इस मूवी के अंदर विलन है उनका भी लुक काफ़ी तगड़ा है और वो भी काफ़ी तगड़े थे। जैसे हर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है वैसे इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो मूवी में दोस्तों आपको कॉमेडी सीन बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर जो वेन्नेला किशोर है उनकी भी काफ़ी दमदार एक्टिंग थी और वो भी बहुत जगह पर कॉमेडी क्रिएट करते हैं और अल्लू अर्जुन भी यहाँ पर बहुत जगह पर कॉमेडी क्रिएट करते हैं। तो पूजा हैगड़े पहले जब मिलती है डीजे से तो उनकी मजाक बनाती है, क्योंकि उनका लुक ही ऐसा था, उसे देखकर वो उनकी मजाक बनाती है। बट जब उनके बारे में उसको सब कुछ मालूम पड़ता है तो वो तो एकदम शौक रह जाती है। आपने धनुष की मूवी का वो डायलॉग तो ज़रूर सुना होगा, कभी किसी का हुलिया देखकर जज नहीं करना है, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है। तो यहाँ पर भी अल्लू अर्जुन वैसे ही होते हैं। तो बस दोस्तों मूवी की जो ओवरऑल स्टोरी है वही है कि जो पंडित है वो कैसे अपने अलग रूप में आ जाते हैं और कैसे लोगों को मारते हैं, कैसे बदला लेते हैं, वो सब कुछ आपको मूवी के अंदर दिखाया जाएगा। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आप इस मूवी की कहानी आराम से समझ जाएंगे। वैसे आप इस मूवी को 2 बार देख सकते हैं, मूवी काफ़ी दमदार थी और मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी थी। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलेंगी। तो अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको दोस्तों यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी, क्योंकि यूट्यूब पर इस मूवी को प्राइवेट कर लिया गया है। बट अगर आपको इस मूवी को फ्री में देखना है तो यह मूवी आपको MX प्लेयर के ऑफिशियल ऐप पर हिंदी भाषा में मिल जाएंगी। तो आप इस मूवी को MX प्लेयर पर जाकर आसानी से देख पाओगे। वहाँ पर बस कुछ ऐड आएंगे, पर बाद में आप इस मूवी को आराम से एंजॉय कर सकते हो, वो भी अच्छी क्वालिटी में। तो वहाँ पर दोस्तों यह मूवी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल है। तो जाइए MX प्लेयर के ऊपर और इस मूवी को आराम से देखिए और साथ में जो अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर है उनको भी आप इस मूवी को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि मूवी काफ़ी तगड़ी है। तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर देख सकते हो। सो नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की डीजे मूवी के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं, वो भी एकदम फ्री में, तो आप सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे। तो अगर आप इस मूवी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए। और यहाँ पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करेंगे और कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको इस मूवी के बारे में बताने वाले हैं जो शायद आपने नहीं सुने होंगे। वैसे मूवी दोस्तों काफ़ी कमाल की है, तो आप इस मूवी को 2 बार तो देख ही सकते हो। और यह मूवी दोस्तों बहुत ही बड़ी हिट मूवी हो चुकी थी। पहले मैं यहाँ पर इस मूवी की कुछ बेसिक डिटेल के बारे में आपको बताऊँगा, बाद में यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलेगी वो भी बताने वाला हूँ। इस मूवी को एक्सप्लेन तो करेंगे ही, साथ में आपको बहुत सारे फैक्ट इस मूवी के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और हो सके तो आप इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कर देना। यह मूवी दोस्तों आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक बांधे रखती है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको अल्लू अर्जुन के अलग अलग रोल नज़र आने वाले हैं। वैसे एक ही रोल है पर वो अलग अलग कैरेक्टर में होते हैं, जैसे कि आप यह इमेजेस देखकर मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको साफ साफ मालूम पड़ जाएगा कि जो अल्लू अर्जुन है उनके आपको अलग अलग कैरेक्टर नज़र आने वाले हैं। वैसे दोस्तों इस मूवी का शॉर्ट नाम डीजे था, पर इस मूवी का फुल नेम डुव्वाड़ा जगन्नाधम था। इस मूवी को 2017 में रिलीज़ किया था, और यह एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जो 2 घंटे की है, और यह मूवी आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर मैं बात करूँ इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 5.8 की, जो काफ़ी गजब की रेटिंग है। और वहीं पर 79% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था। मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था हरीश शंकर ने, और दोस्तों यह बहुत ही बड़ी हिट मूवी रही थी, क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन 50 करोड़ का था, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 115 करोड़ की कमाई कर ली थी। यानी कि यह मूवी हिट हो चुकी थी, क्योंकि हिट का टैग लेने के लिए कम से कम 100 करोड़ तो करने चाहिए थे, और इस मूवी ने 115 करोड़ का कलेक्शन किया था। यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी हिट हुई थी, और इस मूवी के सारे सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं, और इस मूवी में जो म्यूजिक है वो दिया है देवी श्री प्रसाद ने, जो गजब का है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो मूवी के मेन कास्ट में आपको देखने को मिलने वाले हैं अल्लू अर्जुन, पूजा हैगड़े, वेन्नेला किशोर, राव रमेश, मुरली शर्मा, हरीश उथनम, पोसानी कृष्णा, सुब्बाराजू, प्रभाकर, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जिनकी एक्टिंग काफ़ी दमदार है। और इस मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है, जिसमें आपको अल्लू अर्जुन का एक नया लुक देखने को मिलने वाला है। यानी कि एक पंडित का लुक आपको देखने को मिलने वाला है, जो शादियों के अंदर रसोई बनाते हैं, बट उनका दिखावा कुछ और था और अंदर से कुछ और थे। बस वो सिर्फ दिखावा करते थे कि वो पंडित थे, बट अंदर से, जैसे कि आपने वो मूवी देखी होगी अपरिचित, तो उसमें कैसा होता था कि जो हीरो था वो दिखने में एकदम शरीफ लगता था, पर जब रात होती तो सबकी बचा देता था। तो यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जो अल्लू अर्जुन है उनका लुक तो काफ़ी दमदार था ही, पर उनकी एक्टिंग इस मूवी में बहुत ही बेहतरीन थी। यहाँ पर जो पूजा हैगड़े है उनकी एक्टिंग आपको कहीं कहीं जगह पर लगेगा कि ये ओवर एक्टिंग कर रही है। और वैसे दोस्तों जो डीजे होते हैं इस मूवी के अंदर, उनका जो कैरेक्टर है पंडित वाला, वो एकदम भोला कैरेक्टर है, किसी को लगेगा नहीं कि किसी को मार सकता है। बट जैसे मूवी 30 मिनट से आगे बढ़ती है तो हमें मालूम पड़ता है कि डीजे का कुछ और ही लुक था, मतलब उनका कुछ काम और ही था, बस ये तो उनका एक साइड काम था जिसमें वो पंडित का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। तो मूवी में आपको बहुत जगह पर एक्शन सीन देखने को मिलने वाले हैं, और इस मूवी में जो डायलॉग बाजी है वो काफ़ी दमदार है, और इस मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी है, तो आपको मूवी देखने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो ओवरऑल दोस्तों मूवी की जो स्टोरी है वही आपको दिखाई जाएंगी कि कैसे एक पंडित, उसके ऊपर कैसे लोग हमला कर देते हैं। जब उसने कुछ किया ही नहीं था तब उसके ऊपर लोग हमला करते हैं, तो उसने डिसाइड कर लिया था कि वो कैसे भी कर सब ठीक करेगा। तो वो 2 लुक में आ जाता है, पहला वो लुक पंडित वाला और दूसरा एक बिजनेसमैन, जिसमें उनका लुक काफ़ी दमदार होता है। तो यानी कि यहाँ पर आपको दो अलग अलग लुक देखने को मिलने वाले हैं। और जो यहाँ पर अल्लू अर्जुन, उनकी एक्टिंग तो भाई साहब एकदम कड़क थी। जो इस मूवी के अंदर विलन है उनका भी लुक काफ़ी तगड़ा है और वो भी काफ़ी तगड़े थे। जैसे हर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है वैसे इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो मूवी में दोस्तों आपको कॉमेडी सीन बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर जो वेन्नेला किशोर है उनकी भी काफ़ी दमदार एक्टिंग थी और वो भी बहुत जगह पर कॉमेडी क्रिएट करते हैं। और अल्लू अर्जुन भी यहाँ पर बहुत जगह पर कॉमेडी क्रिएट करते हैं। तो पूजा हैगड़े पहले जब मिलती है डीजे से तो उनकी मजाक बनाती है, क्योंकि उनका लुक ही ऐसा था, उसे देखकर वो उनकी मजाक बनाती है। बट जब उनके बारे में उसको सब कुछ मालूम पड़ता है तो वो तो एकदम शौक रह जाती है। आपने धनुष की मूवी का वो डायलॉग तो ज़रूर सुना होगा, कभी किसी का हुलिया देखकर जज नहीं करना, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है। तो यहाँ पर भी अल्लू अर्जुन वैसे ही होते हैं। तो बस दोस्तों मूवी की जो ओवरऑल स्टोरी है वही है कि जो पंडित है वो कैसे अपने अलग रूप में आ जाते हैं और कैसे लोगों को मारते हैं, कैसे बदला लेते हैं, वो सब कुछ आपको मूवी के अंदर दिखाया जाएगा। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आप इस मूवी की कहानी आराम से समझ जाएंगे। वैसे आप इस मूवी को 2 बार देख सकते हैं। मूवी काफ़ी दमदार थी और मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी थी। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलेंगी। तो अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको दोस्तों यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी, क्योंकि यूट्यूब पर इस मूवी को प्राइवेट कर लिया गया है। बट अगर आपको इस मूवी को फ्री में देखना है तो यह मूवी आपको MX प्लेयर के ऑफिशियल ऐप पर हिंदी भाषा में मिल जाएंगी। तो आप इस मूवी को MX प्लेयर पर जाकर आसानी से देख पाओगे। वहां पर बस कुछ ऐड आएंगे, पर बाद में आप इस मूवी को आराम से एंजॉय कर सकते हो, वो भी अच्छी क्वालिटी में। तो वहां पर दोस्तों यह मूवी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल है। तो जाइए MX प्लेयर के ऊपर और इस मूवी को आराम से देखिए, और साथ में जो अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर है उनको भी आप इस मूवी को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि मूवी काफ़ी तगड़ी है। तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर देख सकते हो। सो नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की डीजे मूवी के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं, वो भी एकदम फ्री में, तो आप सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे। तो अगर आप इस मूवी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए। और यहाँ पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करेंगे और कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको इस मूवी के बारे में बताने वाले हैं जो शायद आपने नहीं सुने होंगे। वैसे मूवी दोस्तों काफ़ी कमाल की है, तो आप इस मूवी को 2 बार तो देख ही सकते हो। और यह मूवी दोस्तों बहुत ही बड़ी हिट मूवी हो चुकी थी। पहले मैं यहाँ पर इस मूवी की कुछ बेसिक डिटेल के बारे में आपको बताऊंगा, बाद में यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलेंगी वो भी बताने वाला हूँ। इस मूवी को एक्सप्लेन तो करेंगे ही, साथ में आपको बहुत सारे फैक्ट इस मूवी के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और हो सके तो आप इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कर देना। यह मूवी दोस्तों आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक बांधे रखती है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको अल्लू अर्जुन के अलग अलग रोल नज़र आने वाले हैं। वैसे एक ही रोल है पर वो अलग अलग कैरेक्टर में होते हैं, जैसे कि आप यह इमेजेस देखकर मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको साफ साफ मालूम पड़ जाएगा कि जो अल्लू अर्जुन है उनके आपको अलग अलग कैरेक्टर नज़र आने वाले हैं। वैसे दोस्तों इस मूवी का शॉर्ट नाम डीजे था, पर इस मूवी का फुल नेम डुव्वाड़ा जगन्नाधम था। इस मूवी को 2017 में रिलीज़ किया था, और यह एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जो 2 घंटे की है। और यह मूवी आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर मैं बात करूँ इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 5.8 की, जो काफ़ी गजब की रेटिंग है। और वहीं पर 79% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था। मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था हरीश शंकर ने। और दोस्तों यह बहुत ही बड़ी हिट मूवी रही थी, क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन 50 करोड़ का था, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 115 करोड़ की कमाई कर ली थी। यानी कि यह मूवी हिट हो चुकी थी, क्योंकि हिट का टैग लेने के लिए कम से कम 100 करोड़ तो करने चाहिए थे, और इस मूवी ने 115 करोड़ का कलेक्शन किया था। यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी हिट हुई थी। और इस मूवी के सारे सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और इस मूवी में जो म्यूजिक है वो दिया है देवी श्री प्रसाद ने, जो गजब का है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो मूवी के मेन कास्ट में आपको देखने को मिलने वाले हैं अल्लू अर्जुन, पूजा हैगड़े, वेन्नेला किशोर, राव रमेश, मुरली शर्मा, हरीश उथनम, पोसानी कृष्णा, सुब्बाराजू, प्रभाकर और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जिनकी एक्टिंग काफ़ी दमदार है। और इस मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है जिसमें आपको अल्लू अर्जुन का एक नया लुक देखने को मिलने वाला है, यानी कि एक पंडित का लुक आपको देखने को मिलने वाला है जो शादियों के अंदर रसोई बनाते हैं, बट उनका दिखावा कुछ और था और अंदर से कुछ और थे। बस वो सिर्फ दिखावा करते थे कि वो पंडित थे, बट अंदर से, जैसे कि आपने वो मूवी देखी होगी अपरिचित, तो उसमें कैसा होता था कि जो हीरो था वो दिखने में एकदम शरीफ लगता था, पर जब रात होती तो सबकी बचा देता था। तो यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जो अल्लू अर्जुन है उनका लुक तो काफ़ी दमदार था ही, पर उनकी एक्टिंग इस मूवी में बहुत ही बेहतरीन थी। यहाँ पर जो पूजा हैगड़े है उनकी एक्टिंग आपको कहीं कहीं जगह पर लगेगा कि ये ओवर एक्टिंग कर रही है। और वैसे दोस्तों जो डीजे होते हैं इस मूवी के अंदर, उनका जो कैरेक्टर है पंडित वाला, वो एकदम भोला कैरेक्टर है, किसी को लगेगा नहीं कि किसी को मार सकता है, बट जैसे मूवी 30 मिनट से आगे बढ़ती है तो हमें मालूम पड़ता है कि डीजे का कुछ और ही लुक था, मतलब उनका कुछ काम और ही था, बस ये तो उनका एक साइड काम था जिसमें वो पंडित का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। तो मूवी में आपको बहुत जगह पर एक्शन सीन देखने को मिलने वाले हैं और इस मूवी में जो डायलॉग बाजी है वो काफ़ी दमदार है और इस मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी है, तो आपको मूवी देखने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो ओवरऑल दोस्तों मूवी की जो स्टोरी है वही आपको दिखाई जाएंगी कि कैसे एक पंडित, उसके ऊपर कैसे लोग हमला कर देते हैं, जब उसने कुछ किया ही नहीं था तब उसके ऊपर लोग हमला करते हैं, तो उसने डिसाइड कर लिया था कि वो कैसे भी कर कर सब ठीक करेगा। तो वो दो लुक में आ जाता है, पहला वो लुक पंडित वाला और दूसरा एक बिजनेसमैन, जिसमें उनका लुक काफ़ी दमदार होता है। तो यानी कि यहाँ पर आपको दो अलग अलग लुक देखने को मिलने वाले हैं। और जो यहाँ पर अल्लू अर्जुन, उनकी एक्टिंग तो भाई साहब एकदम कड़क थी। जो इस मूवी के अंदर विलन है उनका भी लुक काफ़ी तगड़ा है और वो भी काफ़ी तगड़े थे। जैसे हर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है वैसे इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो मूवी में दोस्तों आपको कॉमेडी सीन बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर जो वेन्नेला किशोर है उनकी भी काफ़ी दमदार एक्टिंग थी और वो भी बहुत जगह पर कॉमेडी क्रिएट करते हैं और अल्लू अर्जुन भी यहाँ पर बहुत जगह पर कॉमेडी क्रिएट करते हैं। तो पूजा हैगड़े पहले जब मिलती है डीजे से तो उनकी मजाक बनाती है, क्योंकि उनका लुक ही ऐसा था, उसे देखकर वो उनकी मजाक बनाती है, बट जब उनके बारे में उसको सब कुछ मालूम पड़ता है तो वो तो एकदम शौक रह जाती है। आपने धनुष की मूवी का वो डायलॉग तो ज़रूर सुना होगा, कभी किसी का हुलिया देखकर जज नहीं करना है, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है। तो यहाँ पर भी अल्लू अर्जुन वैसे ही होते हैं। तो बस दोस्तों मूवी की जो ओवरऑल स्टोरी है वही है कि जो पंडित है वो कैसे अपने अलग रूप में आ जाते हैं और कैसे लोगों को मारते हैं, कैसे बदला लेते हैं, वो सब कुछ आपको मूवी के अंदर दिखाया जाएगा। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आप इस मूवी की कहानी आराम से समझ जाएंगे। वैसे आप इस मूवी को 2 बार देख सकते हैं, मूवी काफ़ी दमदार थी और मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी थी। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलेंगी। तो अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको दोस्तों यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी, क्योंकि यूट्यूब पर इस मूवी को प्राइवेट कर लिया गया है। बट अगर आपको इस मूवी को फ्री में देखना है तो यह मूवी आपको MX प्लेयर के ऑफिशियल ऐप पर हिंदी भाषा में मिल जाएंगी। तो आप इस मूवी को MX प्लेयर पर जाकर आसानी से देख पाओगे। वहाँ पर बस कुछ ऐड आएंगे, पर बाद में आप इस मूवी को आराम से एंजॉय कर सकते हो, वो भी अच्छी क्वालिटी में। तो वहाँ पर दोस्तों यह मूवी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल है। तो जाइए MX प्लेयर के ऊपर और इस मूवी को आराम से देखिए और साथ में जो अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर है उनको भी आप इस मूवी को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि मूवी काफ़ी तगड़ी है। तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर देख सकते हो। सो नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की डीजे मूवी के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं, वो भी एकदम फ्री में, तो आप सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे। तो अगर आप इस मूवी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना। ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए। और यहाँ पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करेंगे और कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको इस मूवी के बारे में बताने वाले हैं जो शायद आपने नहीं सुने होंगे। वैसे मूवी दोस्तों काफ़ी कमाल की है, तो आप इस मूवी को 2 बार तो देख ही सकते हो। और यह मूवी दोस्तों बहुत ही बड़ी हिट मूवी हो चुकी थी। पहले मैं यहाँ पर इस मूवी की कुछ बेसिक डिटेल के बारे में आपको बताऊँगा, बाद में यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलेगी वो भी बताने वाला हूँ। इस मूवी को एक्सप्लेन तो करेंगे ही, साथ में आपको बहुत सारे फैक्ट इस मूवी के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हो सके तो आप इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कर देना। यह मूवी दोस्तों आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक बांधे रखती है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको अल्लू अर्जुन के अलग अलग रोल नज़र आने वाले हैं। वैसे एक ही रोल है पर वो अलग अलग कैरेक्टर में होते हैं, जैसे कि आप यह इमेजेस देखकर मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको साफ साफ मालूम पड़ जाएगा कि जो अल्लू अर्जुन है उनके आपको अलग अलग कैरेक्टर नज़र आने वाले हैं। वैसे दोस्तों इस मूवी का शॉर्ट नाम डीजे था, पर इस मूवी का फुल नेम डुव्वाड़ा जगन्नाधम था। इस मूवी को 2017 में रिलीज़ किया था और यह एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जो 2 घंटे की है। और यह मूवी आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर मैं बात करूँ इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 5.8 की, जो काफ़ी गजब की रेटिंग है। और वहीं पर 79% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था। मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था हरीश शंकर ने। और दोस्तों यह बहुत ही बड़ी हिट मूवी रही थी, क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन 50 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 115 करोड़ की कमाई कर ली थी। यानी कि यह मूवी हिट हो चुकी थी, क्योंकि हिट का टैग लेने के लिए कम से कम 100 करोड़ तो करने चाहिए थे और इस मूवी ने 115 करोड़ का कलेक्शन किया था। यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी हिट हुई थी। और इस मूवी के सारे सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और इस मूवी में जो म्यूजिक है वो दिया है देवी श्री प्रसाद ने, जो गजब का है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो मूवी के मेन कास्ट में आपको देखने को मिलने वाले हैं अल्लू अर्जुन, पूजा हैगड़े, वेन्नेला किशोर, राव रमेश, मुरली शर्मा, हरीश उथनम, पोसानी कृष्णा, सुब्बाराजू, प्रभाकर और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जिनकी एक्टिंग काफ़ी दमदार है। और इस मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है, जिसमें आपको अल्लू अर्जुन का एक नया लुक देखने को मिलने वाला है। यानी कि एक पंडित का लुक आपको देखने को मिलने वाला है जो शादियों के अंदर रसोई बनाते हैं, बट उनका दिखावा कुछ और था और वो अंदर से कुछ और थे। बस वो सिर्फ दिखावा करते थे कि वो पंडित थे, बट अंदर से, जैसे कि आपने वो मूवी देखी होगी अपरिचित, तो उसमें कैसा होता था कि जो हीरो था वो दिखने में एकदम शरीफ लगता था पर जब रात होती तो सबकी बचा देता था। तो यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जो अल्लू अर्जुन है उनका लुक तो काफ़ी दमदार था ही, पर उनकी एक्टिंग इस मूवी में बहुत ही बेहतरीन थी। यहाँ पर जो पूजा हैगड़े है उनकी एक्टिंग आपको कहीं कहीं जगह पर लगेगा कि ये ओवर एक्टिंग कर रही है। और वैसे दोस्तों जो डीजे होते हैं इस मूवी के अंदर, उनका जो कैरेक्टर है पंडित वाला, वो एकदम भोला कैरेक्टर है, किसी को लगेगा नहीं कि किसी को मार सकता है। बट जैसे मूवी 30 मिनट से आगे बढ़ती है तो हमें मालूम पड़ता है कि डीजे का कुछ और ही लुक था, मतलब उनका कुछ काम और ही था। बस ये तो उनका एक साइड काम था जिसमें वो पंडित का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। तो मूवी में आपको बहुत जगह पर एक्शन सीन देखने को मिलने वाले हैं और इस मूवी में जो डायलॉग बाजी है वो काफ़ी दमदार है। और इस मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी है, तो आपको मूवी देखने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो ओवरऑल दोस्तों मूवी की जो स्टोरी है वही आपको दिखाई जाएंगी कि कैसे एक पंडित, उसके ऊपर कैसे लोग हमला कर देते हैं। जब उसने कुछ किया ही नहीं था तब उसके ऊपर लोग हमला करते हैं, तो उसने डिसाइड कर लिया था कि वो कैसे भी कर सब ठीक करेगा। तो वो 2 लुक में आ जाता है, पहला वो लुक पंडित वाला और दूसरा एक बिजनेसमैन, जिसमें उनका लुक काफ़ी दमदार होता है। तो यानी कि यहाँ पर आपको 2 अलग अलग लुक देखने को मिलने वाले हैं। और जो यहाँ पर अल्लू अर्जुन, उनकी एक्टिंग तो भाई साहब एकदम कड़क थी। जो इस मूवी के अंदर विलन है उनका भी लुक काफ़ी तगड़ा है और वो भी काफ़ी तगड़े थे। जैसे हर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है वैसे इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो मूवी में दोस्तों आपको कॉमेडी सीन बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर जो वेन्नेला किशोर है उनकी भी काफ़ी दमदार एक्टिंग थी और वो भी बहुत जगह पर कॉमेडी क्रिएट करते हैं और अल्लू अर्जुन भी यहाँ पर बहुत जगह पर कॉमेडी क्रिएट करते हैं। तो पूजा हैगड़े पहले जब मिलती है डीजे से तो उनकी मजाक बनाती है क्योंकि उनका लुक ही ऐसा था, उसे देखकर वो उनकी मजाक बनाती है। बट जब उनके बारे में उसको सब कुछ मालूम पड़ता है तो वो तो एकदम शॉक रह जाती है। आपने धनुष की मूवी का वो डायलॉग तो ज़रूर सुना होगा, कभी किसी का हुलिया देखकर जज नहीं करना है क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है। तो यहाँ पर भी अल्लू अर्जुन वैसे ही होते हैं। तो बस दोस्तों, मूवी की जो ओवरऑल स्टोरी है वही है कि जो पंडित है वो कैसे अपने अलग रूप में आ जाते हैं और कैसे लोगों को मारते हैं, कैसे बदला लेते हैं, वो सब कुछ आपको मूवी के अंदर दिखाया जाएगा। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आप इस मूवी की कहानी आराम से समझ जाएंगे। वैसे आप इस मूवी को 2 बार देख सकते हैं। मूवी काफ़ी दमदार थी और मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी थी। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलेंगी। तो अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको दोस्तों यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी क्योंकि यूट्यूब पर इस मूवी को प्राइवेट कर लिया गया है। बट अगर आपको इस मूवी को फ्री में देखना है तो यह मूवी आपको MX प्लेयर के ऑफिशियल ऐप पर हिंदी भाषा में मिल जाएंगी। तो आप इस मूवी को MX प्लेयर पर जाकर आसानी से देख पाओगे। वहां पर बस कुछ ऐड आएंगे पर बाद में आप इस मूवी को आराम से एंजॉय कर सकते हो, वो भी अच्छी क्वालिटी में। तो वहां पर दोस्तों यह मूवी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल है। तो जाइए MX प्लेयर के ऊपर और इस मूवी को आराम से देखिए और साथ में जो अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर है उनको भी आप इस मूवी को ज़रूर दिखाएं क्योंकि मूवी काफ़ी तगड़ी है। तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर देख सकते हो। सो नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की डीजे मूवी के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में, तो आप सही जगह पर आए हैं क्योंकि आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे। तो अगर आप इस मूवी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए। और यहाँ पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करेंगे और कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको इस मूवी के बारे में बताने वाले हैं जो शायद आपने नहीं सुने होंगे। वैसे मूवी दोस्तों काफ़ी कमाल की है, तो आप इस मूवी को 2 बार तो देख ही सकते हो। और यह मूवी दोस्तों बहुत ही बड़ी हिट मूवी हो चुकी थी। पहले मैं यहाँ पर इस मूवी की कुछ बेसिक डिटेल के बारे में आपको बताऊंगा, बाद में यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलेंगी वो भी बताने वाला हूँ। इस मूवी को एक्सप्लेन तो करेंगे ही, साथ में आपको बहुत सारे फैक्ट इस मूवी के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हो सके तो आप इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कर देना। यह मूवी दोस्तों आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक बांधे रखती है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको अल्लू अर्जुन के अलग अलग रोल नज़र आने वाले हैं। वैसे एक ही रोल है पर वो अलग अलग कैरेक्टर में होते हैं, जैसे कि आप यह इमेजेस देखकर मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको साफ साफ मालूम पड़ जाएगा कि जो अल्लू अर्जुन है उनके आपको अलग अलग कैरेक्टर नज़र आने वाले हैं। वैसे दोस्तों इस मूवी का शॉर्ट नाम डीजे था पर इस मूवी का फुल नेम डुव्वाड़ा जगन्नाधम था। इस मूवी को 2017 में रिलीज़ किया था और यह एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जो 2 घंटे की है। और यह मूवी आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर मैं बात करूँ इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 5.8 की, जो काफ़ी गजब की रेटिंग है। और वहीं पर 79% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था। मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था हरीश शंकर ने। और दोस्तों यह बहुत ही बड़ी हिट मूवी रही थी क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन 50 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 115 करोड़ की कमाई कर ली थी। यानी कि यह मूवी हिट हो चुकी थी क्योंकि हिट का टैग लेने के लिए कम से कम 100 करोड़ तो करने चाहिए थे और इस मूवी ने 115 करोड़ का कलेक्शन किया था। यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी हिट हुई थी। और इस मूवी के सारे सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और इस मूवी में जो म्यूजिक है वो दिया है देवी श्री प्रसाद ने, जो गजब का है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ इस मूवी के कास्ट के बारे में तो मूवी के मेन कास्ट में आपको देखने को मिलने वाले हैं अल्लू अर्जुन, पूजा हैगड़े, वेन्नेला किशोर, राव रमेश, मुरली शर्मा, हरीश उथनम, पोसानी कृष्णा, सुब्बाराजू, प्रभाकर और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे काफ देखने को मिलने वाले हैं जिनकी एक्टिंग काफ़ी दमदार है। और इस मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है जिसमें आपको अल्लू अर्जुन का एक नया लुक देखने को मिलने वाला है, यानी कि एक पंडित का लुक आपको देखने को मिलने वाला है जो शादियों के अंदर रसोई बनाते हैं, बट उनका दिखावा कुछ और था और अंदर से कुछ और थे। बस वो सिर्फ दिखावा करते थे कि वो पंडित थे, बट अंदर से जैसे कि आपने वो मूवी देखी होगी अपरिचित, तो उसमें कैसा होता था कि जो हीरो था वो दिखने में एकदम शरीफ लगता था पर जब रात होती तो सबकी बचा देता था। तो यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जो अल्लू अर्जुन है उनका लुक तो काफ़ी दमदार था ही पर उनकी एक्टिंग इस मूवी में बहुत ही बेहतरीन थी। यहाँ पर जो पूजा हैगड़े है उनकी एक्टिंग आपको कहीं कहीं जगह पर लगेगा कि ये ओवर एक्टिंग कर रही है। और वैसे दोस्तों जो डीजे होते हैं इस मूवी के अंदर उनका जो कैरेक्टर है पंडित वाला वो एकदम भोला कैरेक्टर है, किसी को लगेगा नहीं कि किसी को मार सकता है, बट जैसे मूवी 30 मिनट से आगे बढ़ती है तो हमें मालूम पड़ता है कि डीजे का कुछ और ही लुक था, मतलब उनका कुछ काम और ही था, बस ये तो उनका एक साइड काम था जिसमें वो पंडित का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। तो मूवी में आपको बहुत जगह पर एक्शन सीन देखने को मिलने वाले हैं और इस मूवी में जो डायलॉग बाजी है वो काफ़ी दमदार है और इस मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी है, तो आपको मूवी देखने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो ओवरऑल दोस्तों मूवी की जो स्टोरी है वही आपको दिखाई जाएंगी कि कैसे एक पंडित उसके ऊपर कैसे लोग हमला कर देते हैं, जब उसने कुछ किया ही नहीं था तब उसके ऊपर लोग हमला करते हैं, तो उसने डिसाइड कर लिया था कि वो कैसे भी कर सब ठीक करेगा। तो वो दो लुक में आ जाता है, पहला वो लुक पंडित वाला और दूसरा एक बिजनेसमैन जिसमें उनका लुक काफ़ी दमदार होता है। तो यानी कि यहाँ पर आपको दो अलग अलग लुक देखने को मिलने वाले हैं। और जो यहाँ पर अल्लू अर्जुन उनकी एक्टिंग तो भाई साहब एकदम कड़क थी। जो इस मूवी के अंदर विलन है उनका भी लुक काफ़ी तगड़ा है और वो भी काफ़ी तगड़े थे। जैसे हर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है वैसे इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो मूवी में दोस्तों आपको कॉमेडी सीन बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर जो वेन्नेला किशोर है उनकी भी काफ़ी दमदार एक्टिंग थी और वो भी बहुत जगह पर कॉमेडी क्रिएट करते हैं और अल्लू अर्जुन भी यहाँ पर बहुत जगह पर कॉमेडी क्रिएट करते हैं। तो पूजा हैगड़े पहले जब मिलती है डीजे से तो उनकी मजाक बनाती है, क्योंकि उनका लुक ही ऐसा था उसे देखकर वो उनकी मजाक बनाती है, बट जब उनके बारे में उसको सब कुछ मालूम पड़ता है तो वो तो एकदम शौक रह जाती है। आपने धनुष की मूवी का वो डायलॉग तो ज़रूर सुना होगा, कभी किसी का हुलिया देखकर जज नहीं करना है, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है। तो यहाँ पर भी अल्लू अर्जुन वैसे ही होते हैं। तो बस दोस्तों मूवी की जो ओवरऑल स्टोरी है वही है कि जो पंडित है वो कैसे अपने अलग रूप में आ जाते हैं और कैसे लोगों को मारते हैं, कैसे बदला लेते हैं, वो सब कुछ आपको मूवी के अंदर दिखाया जाएगा। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आप इस मूवी की कहानी आराम से समझ जाएंगे। वैसे आप इस मूवी को 2 बार देख सकते हैं, मूवी काफ़ी दमदार थी और मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी थी। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलेंगी। तो अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको दोस्तों यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी, क्योंकि यूट्यूब पर इस मूवी को प्राइवेट कर लिया गया है। बट अगर आपको इस मूवी को फ्री में देखना है तो यह मूवी आपको MX प्लेयर के ऑफिशियल ऐप पर हिंदी भाषा में मिल जाएंगी। तो आप इस मूवी को MX प्लेयर पर जाकर आसानी से देख पाओगे। वहाँ पर बस कुछ ऐड आएंगे पर बाद में आप इस मूवी को आराम से एंजॉय कर सकते हो, वो भी अच्छी क्वालिटी में। तो वहाँ पर दोस्तों यह मूवी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल है। तो जाइए MX प्लेयर के ऊपर और इस मूवी को आराम से देखिए और साथ में जो अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर है उनको भी आप इस मूवी को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि मूवी काफ़ी तगड़ी है। तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर देख सकते हो। सो नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की डीजे मूवी के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में, तो आप सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे। तो अगर आप इस मूवी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए। और यहाँ पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करेंगे और कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको इस मूवी के बारे में बताने वाले हैं जो शायद आपने नहीं सुने होंगे। वैसे मूवी दोस्तों काफ़ी कमाल की है, तो आप इस मूवी को 2 बार तो देख ही सकते हो। और यह मूवी दोस्तों बहुत ही बड़ी हिट मूवी हो चुकी थी। पहले मैं यहाँ पर इस मूवी की कुछ बेसिक डिटेल के बारे में आपको बताऊंगा। बाद में यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहां पर मिलेंगी वो भी बताने वाला हूँ। इस मूवी को एक्सप्लेन तो करेंगे ही, साथ में आपको बहुत सारे फैक्ट इस मूवी के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हो सके तो आप इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कर देना। यह मूवी दोस्तों आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक बांधे रखती है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको अल्लू अर्जुन के अलग अलग रोल नज़र आने वाले हैं। वैसे एक ही रोल है पर वो अलग अलग कैरेक्टर में होते हैं, जैसे कि आप यह इमेजेस देखकर मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको साफ साफ मालूम पड़ जाएगा कि जो अल्लू अर्जुन है उनके आपको अलग अलग कैरेक्टर नज़र आने वाले हैं। वैसे दोस्तों इस मूवी का शॉर्ट नाम डीजे था, पर इस मूवी का फुल नेम डुव्वाड़ा जगन्नाधम था। इस मूवी को 2017 में रिलीज़ किया था और यह एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जो 2 घंटे की है और यह मूवी आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर मैं बात करूँ इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 5.8 की, जो काफ़ी गजब की रेटिंग है। और वहीं पर 79% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था। मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था हरीश शंकर ने और दोस्तों यह बहुत ही बड़ी हिट मूवी रही थी, क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन 50 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 115 करोड़ की कमाई कर ली थी। यानी कि यह मूवी हिट हो चुकी थी, क्योंकि हिट का टैग लेने के लिए कम से कम 100 करोड़ तो करने चाहिए थे और इस मूवी ने 115 करोड़ का कलेक्शन किया था। यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी हिट हुई थी और इस मूवी के सारे सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और इस मूवी में जो म्यूजिक है वो दिया है देवी श्री प्रसाद ने, जो गजब का है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ इस मूवी के कास्ट के बारे में तो मूवी के मेन कास्ट में आपको देखने को मिलने वाले हैं अल्लू अर्जुन, पूजा हैगड़े, वेन्नेला किशोर, राव रमेश, मुरली शर्मा, हरीश उथनम, पोसानी कृष्णा, सुब्बाराजू, प्रभाकर और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जिनकी एक्टिंग काफ़ी दमदार है। और इस मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है, जिसमें आपको अल्लू अर्जुन का एक नया लुक देखने को मिलने वाला है। यानी कि एक पंडित का लुक आपको देखने को मिलने वाला है जो शादियों के अंदर रसोई बनाते हैं, बट उनका दिखावा कुछ और था और अंदर से कुछ और थे। बस वो सिर्फ दिखावा करते थे कि वो पंडित थे, बट अंदर से, जैसे कि आपने वो मूवी देखी होगी अपरिचित, तो उसमें कैसा होता था कि जो हीरो था वो दिखने में एकदम शरीफ लगता था पर जब रात होती तो सबकी बचा देता था। तो यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जो अल्लू अर्जुन है उनका लुक तो काफ़ी दमदार था ही पर उनकी एक्टिंग इस मूवी में बहुत ही बेहतरीन थी। यहाँ पर जो पूजा हैगड़े है उनकी एक्टिंग आपको कहीं कहीं जगह पर लगेगा कि ये ओवर एक्टिंग कर रही है। और वैसे दोस्तों जो डीजे होते हैं इस मूवी के अंदर, उनका जो कैरेक्टर है पंडित वाला, वो एकदम भोला कैरेक्टर है, किसी को लगेगा नहीं कि किसी को मार सकता है। बट जैसे मूवी 30 मिनट से आगे बढ़ती है तो हमें मालूम पड़ता है कि डीजे का कुछ और ही लुक था, मतलब उनका कुछ काम और ही था। बस ये तो उनका एक साइड काम था जिसमें वो पंडित का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। तो मूवी में आपको बहुत जगह पर एक्शन सीन देखने को मिलने वाले हैं और इस मूवी में जो डायलॉग बाजी है वो काफ़ी दमदार है और इस मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी है, तो आपको मूवी देखने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो ओवरऑल दोस्तों मूवी की जो स्टोरी है वही आपको दिखाई जाएंगी कि कैसे एक पंडित, उसके ऊपर कैसे लोग हमला कर देते हैं। जब उसने कुछ किया ही नहीं था तब उसके ऊपर लोग हमला करते हैं, तो उसने डिसाइड कर लिया था कि वो कैसे भी कर कर सब ठीक करेगा। तो वो 2 लुक में आ जाता है, पहला वो लुक पंडित वाला और दूसरा एक बिजनेसमैन, जिसमें उनका लुक काफ़ी दमदार होता है। तो यानी कि यहाँ पर आपको 2 अलग अलग लुक देखने को मिलने वाले हैं। और जो यहाँ पर अल्लू अर्जुन, उनकी एक्टिंग तो भाई साहब एकदम कड़क थी। जो इस मूवी के अंदर विलन है उनका भी लुक काफ़ी तगड़ा है और वो भी काफ़ी तगड़े थे। जैसे हर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है वैसे इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो मूवी में दोस्तों आपको कॉमेडी सीन बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर जो वेन्नेला किशोर है उनकी भी काफ़ी दमदार एक्टिंग थी और वो भी बहुत जगह पर कॉमेडी क्रिएट करते हैं और अल्लू अर्जुन भी यहाँ पर बहुत जगह पर कॉमेडी क्रिएट करते हैं। तो पूजा हैगड़े पहले जब मिलती है डीजे से तो उनकी मजाक बनाती है, क्योंकि उनका लुक ही ऐसा था, उसे देखकर वो उनकी मजाक बनाती है। बट जब उनके बारे में उसको सब कुछ मालूम पड़ता है तो वो तो एकदम शॉक रह जाती है। आपने धनुष की मूवी का वो डायलॉग तो ज़रूर सुना होगा, कभी किसी का हुलिया देख जज नहीं करना है, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है। तो यहाँ पर भी अल्लू अर्जुन वैसे ही होते हैं। तो बस दोस्तों मूवी की जो ओवरऑल स्टोरी है वही है कि जो पंडित है वो कैसे अपने अलग रूप में आ जाते हैं और कैसे लोगों को मारते हैं, कैसे बदला लेते हैं, वो सब कुछ आपको मूवी के अंदर दिखाया जाएगा। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आप इस मूवी की कहानी आराम से समझ जाएंगे। वैसे आप इस मूवी को 2 बार देख सकते हैं। मूवी काफ़ी दमदार थी और मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी थी। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलेंगी। तो अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको दोस्तों YouTube पर नहीं मिलेंगी, क्योंकि YouTube पर इस मूवी को प्राइवेट कर लिया गया है। बट अगर आपको इस मूवी को फ्री में देखना है तो यह मूवी आपको MX Player के ऑफिशियल ऐप पर हिंदी भाषा में मिल जाएंगी। तो आप इस मूवी को MX Player पर जाकर आसानी से देख पाओगे। वहाँ पर बस कुछ ऐड आएंगे, पर बाद में आप इस मूवी को आराम से इंजॉय कर सकते हो, वो भी अच्छी क्वालिटी में। तो वहाँ पर दोस्तों यह मूवी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल है। तो जाइए MX Player के ऊपर और इस मूवी को आराम से देखिए, और साथ में जो अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर है उनको भी आप इस मूवी को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि मूवी काफ़ी तगड़ी है। तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर देख सकते हो। सो नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की DJ मूवी के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं, वो भी एकदम फ्री में, तो आप सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे। तो अगर आप इस मूवी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए। और यहाँ पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करेंगे और कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको इस मूवी के बारे में बताने वाले हैं जो शायद आपने नहीं सुने होंगे। वैसे मूवी दोस्तों काफ़ी कमाल की है, तो आप इस मूवी को 2 बार तो देख ही सकते हो। और यह मूवी दोस्तों बहुत ही बड़ी हिट मूवी हो चुकी थी। पहले मैं यहाँ पर इस मूवी की कुछ बेसिक डिटेल के बारे में आपको बताऊँगा, बाद में यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलेगी वो भी बताने वाला हूँ। इस मूवी को एक्सप्लेन तो करेंगे ही, साथ में आपको बहुत सारे फैक्ट इस मूवी के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और हो सके तो आप इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कर देना। यह मूवी दोस्तों आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक बांधे रखती है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको अल्लू अर्जुन के अलग अलग रोल नज़र आने वाले हैं। वैसे एक ही रोल है, पर वो अलग अलग कैरेक्टर में होते हैं, जैसे कि आप यह इमेजेस देखकर मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको साफ साफ मालूम पड़ जाएगा कि जो अल्लू अर्जुन है उनके आपको अलग अलग कैरेक्टर नज़र आने वाले हैं। वैसे दोस्तों इस मूवी का शॉर्ट नाम DJ था, पर इस मूवी का फुल नेम डुव्वाड़ा जगन्नाधम था। इस मूवी को 2017 में रिलीज़ किया था, और यह एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जो 2 घंटे की है, और यह मूवी आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर मैं बात करूँ इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 5.8 की, जो काफ़ी गजब की रेटिंग है। और वहीं पर 79% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था। मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था हरीश शंकर ने, और दोस्तों यह बहुत ही बड़ी हिट मूवी रही थी, क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन 50 करोड़ का था, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 115 करोड़ की कमाई कर ली थी। यानी कि यह मूवी हिट हो चुकी थी, क्योंकि हिट का टैग लेने के लिए कम से कम 100 करोड़ तो करने चाहिए थे, और इस मूवी ने 115 करोड़ का कलेक्शन किया था। यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी हिट हुई थी, और इस मूवी के सारे सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं, और इस मूवी में जो म्यूजिक है वो दिया है देवी श्री प्रसाद ने, जो गजब का है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो मूवी के मेन कास्ट में आपको देखने को मिलने वाले हैं अल्लू अर्जुन, पूजा हैगड़े, वेन्नेला किशोर, राव रमेश, मुरली शर्मा, हरीश उथनम, पोसानी कृष्णा, सुब्बाराजू, प्रभाकर, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जिनकी एक्टिंग काफ़ी दमदार है। और इस मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है, जिसमें आपको अल्लू अर्जुन का एक नया लुक देखने को मिलने वाला है। यानी कि एक पंडित का लुक आपको देखने को मिलने वाला है, जो शादियों के अंदर रसोई बनाते हैं, बट उनका दिखावा कुछ और था, वो अंदर से कुछ और थे। बस वो सिर्फ दिखावा करते थे कि वो पंडित थे, बट अंदर से जैसे कि आपने वो मूवी देखी होगी अपरिचित, तो उसमें कैसा होता था कि जो हीरो था वो दिखने में एकदम शरीफ लगता था, पर जब रात होती तो सबकी बचा देता था। तो यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जो अल्लू अर्जुन है उनका लुक तो काफ़ी दमदार था ही, पर उनकी एक्टिंग इस मूवी में बहुत ही बेहतरीन थी। यहाँ पर जो पूजा हैगड़े है उनकी एक्टिंग आपको कहीं कहीं जगह पर लगेगा कि ये ओवर एक्टिंग कर रही है। और वैसे दोस्तों जो डीजे होते हैं इस मूवी के अंदर, उनका जो कैरेक्टर है पंडित वाला, वो एकदम भोला कैरेक्टर है, किसी को लगेगा नहीं कि किसी को मार सकता है। बट जैसे मूवी 30 मिनट से आगे बढ़ती है तो हमें मालूम पड़ता है कि डीजे का कुछ और ही लुक था, मतलब उनका कुछ काम और ही था, बस ये तो उनका एक साइड काम था जिसमें वो पंडित का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। तो मूवी में आपको बहुत जगह पर एक्शन सीन देखने को मिलने वाले हैं, और इस मूवी में जो डायलॉग बाजी है वो काफ़ी दमदार है, और इस मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी है, तो आपको मूवी देखने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो ओवरऑल दोस्तों मूवी की जो स्टोरी है वही आपको दिखाई जाएंगी कि कैसे एक पंडित, उसके ऊपर कैसे लोग हमला कर देते हैं, जब उसने कुछ किया ही नहीं था तब उसके ऊपर लोग हमला करते हैं। तो उसने डिसाइड कर लिया था कि वो कैसे भी कर सब ठीक करेगा। तो वो दो लुक में आ जाता है, पहला वो लुक पंडित वाला और दूसरा एक बिजनेसमैन, जिसमें उनका लुक काफ़ी दमदार होता है। तो यानी कि यहाँ पर आपको दो अलग अलग लुक देखने को मिलने वाले हैं। और जो यहाँ पर अल्लू अर्जुन, उनकी एक्टिंग तो भाई साहब एकदम कड़क थी। जो इस मूवी के अंदर विलन है उनका भी लुक काफ़ी तगड़ा है, और वो भी काफ़ी तगड़े थे। जैसे हर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है वैसे इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो मूवी में दोस्तों आपको कॉमेडी सीन बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर जो वेन्नेला किशोर है उनकी भी काफ़ी दमदार एक्टिंग थी, और वो भी बहुत जगह पर कॉमेडी क्रिएट करते हैं, और अल्लू अर्जुन भी यहाँ पर बहुत जगह पर कॉमेडी क्रिएट करते हैं। तो पूजा हैगड़े पहले जब मिलती है डीजे से तो उनकी मजाक बनाती है, क्योंकि उनका लुक ही ऐसा था, उसे देखकर वो उनकी मजाक बनाती है। बट जब उनके बारे में उसको सब कुछ मालूम पड़ता है तो वो तो एकदम शौक रह जाती है। आपने धनुष की मूवी का वो डायलॉग तो ज़रूर सुना होगा, कभी किसी का हुलिया देखकर जज नहीं करना, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है। तो यहाँ पर भी अल्लू अर्जुन वैसे ही होते हैं। तो बस दोस्तों मूवी की जो ओवरऑल स्टोरी है वही है कि जो पंडित है वो कैसे अपने अलग रूप में आ जाते हैं और कैसे लोगों को मारते हैं, कैसे बदला लेते हैं, वो सब कुछ आपको मूवी के अंदर दिखाया जाएगा। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आप इस मूवी की कहानी आराम से समझ जाएंगे। वैसे आप इस मूवी को 2 बार देख सकते हैं, मूवी काफ़ी दमदार थी और मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी थी। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलेंगी। तो अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको दोस्तों YouTube पर नहीं मिलेंगी, क्योंकि YouTube पर इस मूवी को प्राइवेट कर लिया गया है। बट अगर आपको इस मूवी को फ्री में देखना है तो यह मूवी आपको MX Player के ऑफिशियल ऐप पर हिंदी भाषा में मिल जाएंगी। तो आप इस मूवी को MX Player पर जाकर आसानी से देख पाओगे। वहाँ पर बस कुछ ऐड आएंगे, पर बाद में आप इस मूवी को आराम से इंजॉय कर सकते हो, वो भी अच्छी क्वालिटी में। तो वहाँ पर दोस्तों यह मूवी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल है। तो जाइए MX Player के ऊपर और इस मूवी को आराम से देखिए, और साथ में जो अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर है उनको भी आप इस मूवी को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि मूवी काफ़ी तगड़ी है। तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर देख सकते हो। सो नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की डीजे मूवी के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं, वो भी एकदम फ्री में, तो आप सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे। तो अगर आप इस मूवी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए। और यहाँ पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करेंगे, और कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको इस मूवी के बारे में बताने वाले हैं जो शायद आपने नहीं सुने होंगे। वैसे मूवी दोस्तों काफ़ी कमाल की है, तो आप इस मूवी को 2 बार तो देख ही सकते हो। और यह मूवी दोस्तों बहुत ही बड़ी हिट मूवी हो चुकी थी। पहले मैं यहाँ पर इस मूवी की कुछ बेसिक डिटेल के बारे में आपको बताऊँगा, बाद में यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलेंगी वो भी बताने वाला हूँ। इस मूवी को एक्सप्लेन तो करेंगे ही, साथ में आपको बहुत सारे फैक्ट इस मूवी के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और हो सके तो आप इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कर देना। यह मूवी दोस्तों आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक बांधे रखती है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको अल्लू अर्जुन के अलग अलग रोल नज़र आने वाले हैं। वैसे एक ही रोल है पर वो अलग अलग कैरेक्टर में होते हैं, जैसे कि आप यह इमेजेस देखकर मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको साफ साफ मालूम पड़ जाएगा कि जो अल्लू अर्जुन है उनके आपको अलग अलग कैरेक्टर नज़र आने वाले हैं। वैसे दोस्तों इस मूवी का शॉर्ट नाम डीजे था, पर इस मूवी का फुल नेम डुव्वाड़ा जगन्नाधम था। इस मूवी को 2017 में रिलीज़ किया था और यह एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जो 2 घंटे की है और यह मूवी आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर मैं बात करूँ इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 5.8 की, जो काफ़ी गजब की रेटिंग है। और वहीं पर 79% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था। मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था हरीश शंकर ने। और दोस्तों यह बहुत ही बड़ी हिट मूवी रही थी, क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन 50 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 115 करोड़ की कमाई कर ली थी। यानी कि यह मूवी हिट हो चुकी थी, क्योंकि हिट का टैग लेने के लिए कम से कम 100 करोड़ तो करने चाहिए थे और इस मूवी ने 115 करोड़ का कलेक्शन किया था। यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी हिट हुई थी और इस मूवी के सारे सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और इस मूवी में जो म्यूजिक है वो दिया है देवी श्री प्रसाद ने, जो गजब का है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो मूवी के मेन कास्ट में आपको देखने को मिलने वाले हैं अल्लू अर्जुन, पूजा हैगड़े, वेन्नेला किशोर, राव रमेश, मुरली शर्मा, हरीश उथनम, पोसानी कृष्णा, सुब्बाराजू, प्रभाकर और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जिनकी एक्टिंग काफ़ी दमदार है। और इस मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है, जिसमें आपको अल्लू अर्जुन का एक नया लुक देखने को मिलने वाला है। यानी कि एक पंडित का लुक आपको देखने को मिलने वाला है, जो शादियों के अंदर रसोई बनाते हैं, बट उनका दिखावा कुछ और था और अंदर से कुछ और थे। बस वो सिर्फ दिखावा करते थे कि वो पंडित थे, बट अंदर से, जैसे कि आपने वो मूवी देखी होगी अपरिचित, तो उसमें कैसा होता था कि जो हीरो था वो दिखने में एकदम शरीफ लगता था, पर जब रात होती तो सबकी बचा देता था। तो यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जो अल्लू अर्जुन है उनका लुक तो काफ़ी दमदार था ही, पर उनकी एक्टिंग इस मूवी में बहुत ही बेहतरीन थी। यहाँ पर जो पूजा हैगड़े है उनकी एक्टिंग आपको कहीं कहीं जगह पर लगेगा कि ये ओवर एक्टिंग कर रही है। और वैसे दोस्तों जो डीजे होते हैं इस मूवी के अंदर, उनका जो कैरेक्टर है पंडित वाला, वो एकदम भोला कैरेक्टर है। किसी को लगेगा नहीं कि किसी को मार सकता है, बट जैसे मूवी 30 मिनट से आगे बढ़ती है तो हमें मालूम पड़ता है कि डीजे का कुछ और ही लुक था, मतलब उनका कुछ काम और ही था। बस ये तो उनका एक साइड काम था जिसमें वो पंडित का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। तो मूवी में आपको बहुत जगह पर एक्शन सीन देखने को मिलने वाले हैं और इस मूवी में जो डायलॉग बाजी है वो काफ़ी दमदार है और इस मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी है, तो आपको मूवी देखने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो ओवरऑल दोस्तों मूवी की जो स्टोरी है वही आपको दिखाई जाएंगी कि कैसे एक पंडित, उसके ऊपर कैसे लोग हमला कर देते हैं। जब उसने कुछ किया ही नहीं था तब उसके ऊपर लोग हमला करते हैं, तो उसने डिसाइड कर लिया था कि वो कैसे भी कर कर सब ठीक करेगा। तो वो 2 लुक में आ जाता है, पहला वो लुक पंडित वाला और दूसरा एक बिजनेसमैन, जिसमें उनका लुक काफ़ी दमदार होता है। तो यानी कि यहाँ पर आपको 2 अलग अलग लुक देखने को मिलने वाले हैं। और जो यहाँ पर अल्लू अर्जुन, उनकी एक्टिंग तो भाई साहब एकदम कड़क थी। जो इस मूवी के अंदर विलन है उनका भी लुक काफ़ी तगड़ा है और वो भी काफ़ी तगड़े थे। जैसे हर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है वैसे इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो मूवी में दोस्तों आपको कॉमेडी सीन बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर जो वेन्नेला किशोर है उनकी भी काफ़ी दमदार एक्टिंग थी और वो भी बहुत जगह पर कॉमेडी क्रिएट करते हैं और अल्लू अर्जुन भी यहाँ पर बहुत जगह पर कॉमेडी क्रिएट करते हैं। तो पूजा हैगड़े पहले जब मिलती है डीजे से तो उनकी मजाक बनाती है, क्योंकि उनका लुक ही ऐसा था, उसे देखकर वो उनकी मजाक बनाती है। बट जब उनके बारे में उसको सब कुछ मालूम पड़ता है तो वो तो एकदम शौक रह जाती है। आपने धनुष की मूवी का वो डायलॉग तो ज़रूर सुना होगा, कभी किसी का हुलिया देखकर जज नहीं करना है, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है। तो यहाँ पर भी अल्लू अर्जुन वैसे ही होते हैं। तो बस दोस्तों मूवी की जो ओवरऑल स्टोरी है वही है कि जो पंडित है वो कैसे अपने अलग रूप में आ जाते हैं और कैसे लोगों को मारते हैं, कैसे बदला लेते हैं, वो सब कुछ आपको मूवी के अंदर दिखाया जाएगा। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आप इस मूवी की कहानी आराम से समझ जाएंगे। वैसे आप इस मूवी को 2 बार देख सकते हैं। मूवी काफ़ी दमदार थी और मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी थी। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलेंगी। तो अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको दोस्तों यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी, क्योंकि यूट्यूब पर इस मूवी को प्राइवेट कर लिया गया है। बट अगर आपको इस मूवी को फ्री में देखना है तो यह मूवी आपको MX प्लेयर के ऑफिशियल ऐप पर हिंदी भाषा में मिल जाएंगी। तो आप इस मूवी को MX प्लेयर पर जाकर आसानी से देख पाओगे। वहाँ पर बस कुछ ऐड आएंगे, पर बाद में आप इस मूवी को आराम से एंजॉय कर सकते हो, वो भी अच्छी क्वालिटी में। तो वहाँ पर दोस्तों यह मूवी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल है। तो जाइए MX प्लेयर के ऊपर और इस मूवी को आराम से देखिए, और साथ में जो अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर है उनको भी आप इस मूवी को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि मूवी काफ़ी तगड़ी है। तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर देख सकते हो। सो नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की डीजे मूवी के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं, वो भी एकदम फ्री में, तो आप सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे। तो अगर आप इस मूवी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए। और यहाँ पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करेंगे और कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको इस मूवी के बारे में बताने वाले हैं जो शायद आपने नहीं सुने होंगे। वैसे मूवी दोस्तों काफ़ी कमाल की है, तो आप इस मूवी को 2 बार तो देख ही सकते हो। और यह मूवी दोस्तों बहुत ही बड़ी हिट मूवी हो चुकी थी। पहले मैं यहाँ पर इस मूवी की कुछ बेसिक डिटेल के बारे में आपको बताऊँगा, बाद में यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलेंगी वो भी बताने वाला हूँ। इस मूवी को एक्सप्लेन तो करेंगे ही, साथ में आपको बहुत सारे फैक्ट इस मूवी के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और हो सके तो आप इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कर देना। यह मूवी दोस्तों आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक बांधे रखती है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको अल्लू अर्जुन के अलग अलग रोल नज़र आने वाले हैं। वैसे एक ही रोल है, पर वो अलग अलग कैरेक्टर में होते हैं, जैसे कि आप यह इमेजेस देखकर मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको साफ साफ मालूम पड़ जाएगा कि जो अल्लू अर्जुन है उनके आपको अलग अलग कैरेक्टर नज़र आने वाले हैं। वैसे दोस्तों इस मूवी का शॉर्ट नाम डीजे था, पर इस मूवी का फुल नेम डुव्वाड़ा जगन्नाधम था। इस मूवी को 2017 में रिलीज़ किया था, और यह एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जो 2 घंटे की है, और यह मूवी आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर मैं बात करूँ इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 5.8 की, जो काफ़ी गजब की रेटिंग है। और वहीं पर 79% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था। मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था हरीश शंकर ने, और दोस्तों यह बहुत ही बड़ी हिट मूवी रही थी, क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन 50 करोड़ का था, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 115 करोड़ की कमाई कर ली थी। यानी कि यह मूवी हिट हो चुकी थी, क्योंकि हिट का टैग लेने के लिए कम से कम 100 करोड़ तो करने चाहिए थे, और इस मूवी ने 115 करोड़ का कलेक्शन किया था। यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी हिट हुई थी, और इस मूवी के सारे सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं, और इस मूवी में जो म्यूजिक है वो दिया है देवी श्री प्रसाद ने, जो गजब का है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो मूवी के मेन कास्ट में आपको देखने को मिलने वाले हैं अल्लू अर्जुन, पूजा हैगड़े, वेन्नेला किशोर, राव रमेश, मुरली शर्मा, हरीश उथनम, पोसानी कृष्णा, सुब्बाराजू, प्रभाकर, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जिनकी एक्टिंग काफ़ी दमदार है। और इस मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है, जिसमें आपको अल्लू अर्जुन का एक नया लुक देखने को मिलने वाला है। यानी कि एक पंडित का लुक आपको देखने को मिलने वाला है, जो शादियों के अंदर रसोई बनाते हैं, बट उनका दिखावा कुछ और था और अंदर से कुछ और थे। बस वो सिर्फ दिखावा करते थे कि वो पंडित है, बट अंदर से, जैसे कि आपने वो मूवी देखी होगी अपरिचित, तो उसमें कैसा होता था कि जो हीरो था वो दिखने में एकदम शरीफ लगता था, पर जब रात होती तो सबकी बचा देता था। तो यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जो अल्लू अर्जुन है उनका लुक तो काफ़ी दमदार था ही, पर उनकी एक्टिंग इस मूवी में बहुत ही बेहतरीन थी। यहाँ पर जो पूजा हैगड़े है उनकी एक्टिंग आपको कहीं कहीं जगह पर लगेगा कि ये ओवर एक्टिंग कर रही है, और वैसे दोस्तों जो डीजे होते हैं इस मूवी के अंदर, उनका जो कैरेक्टर है पंडित वाला, वो एकदम भोला कैरेक्टर है, किसी को लगेगा नहीं कि किसी को मार सकता है। बट जैसे मूवी 30 मिनट से आगे बढ़ती है तो हमें मालूम पड़ता है कि डीजे का कुछ और ही लुक था, मतलब उनका कुछ काम और ही था, बस ये तो उनका एक साइड काम था जिसमें वो पंडित का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। तो मूवी में आपको बहुत जगह पर एक्शन सीन देखने को मिलने वाले हैं और इस मूवी में जो डायलॉग बाजी है वो काफ़ी दमदार है और इस मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी है, तो आपको मूवी देखने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो ओवरऑल दोस्तों मूवी की जो स्टोरी है वही आपको दिखाई जाएंगी कि कैसे एक पंडित, उसके ऊपर कैसे लोग हमला कर देते हैं, जब उसने कुछ किया ही नहीं था तब उसके ऊपर लोग हमला करते हैं। तो उसने डिसाइड कर लिया था कि वो कैसे भी कर सब ठीक करेगा। तो वो दो लुक में आ जाता है, पहला वो लुक पंडित वाला और दूसरा एक बिजनेसमैन, जिसमें उनका लुक काफ़ी दमदार होता है। तो यानी कि यहाँ पर आपको दो अलग अलग लुक देखने को मिलने वाले हैं। और जो यहाँ पर अल्लू अर्जुन, उनकी एक्टिंग तो भाई साहब एकदम कड़क थी। जो इस मूवी के अंदर विलन है उनका भी लुक काफ़ी तगड़ा है और वो भी काफ़ी तगड़े थे। जैसे हर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है वैसे इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो मूवी में दोस्तों आपको कॉमेडी सीन बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर जो वेन्नेला किशोर है उनकी भी काफ़ी दमदार एक्टिंग थी और वो भी बहुत जगह पर कॉमेडी क्रिएट करते हैं और अल्लू अर्जुन भी यहाँ पर बहुत जगह पर कॉमेडी क्रिएट करते हैं। तो पूजा हैगड़े पहले जब मिलती है डीजे से तो उनकी मजाक बनाती है, क्योंकि उनका लुक ही ऐसा था उसे देखकर वो उनकी मजाक बनाती है। बट जब उनके बारे में उसको सब कुछ मालूम पड़ता है तो वो तो एकदम शॉक रह जाती है। आपने धनुष की मूवी का वो डायलॉग तो ज़रूर सुना होगा, कभी किसी का हुलिया देखकर जज नहीं करना है, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है। तो यहाँ पर भी अल्लू अर्जुन वैसे ही होते हैं। तो बस दोस्तों मूवी की जो ओवरऑल स्टोरी है वही है कि जो पंडित है वो कैसे अपने अलग रूप में आ जाते हैं और कैसे लोगों को मारते हैं, कैसे बदला लेते हैं, वो सब कुछ आपको मूवी के अंदर दिखाया जाएगा। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आप इस मूवी की कहानी आराम से समझ जाएंगे। वैसे आप इस मूवी को दो बार देख सकते हैं, मूवी काफ़ी दमदार थी और मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी थी। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलेंगी। तो अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको दोस्तों यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी, क्योंकि यूट्यूब पर इस मूवी को प्राइवेट कर लिया गया है। बट अगर आपको इस मूवी को फ्री में देखना है तो यह मूवी आपको MX प्लेयर के ऑफिशियल ऐप पर हिंदी भाषा में मिल जाएंगी। तो आप इस मूवी को MX प्लेयर पर जाकर आसानी से देख पाओगे। वहां पर बस कुछ ऐड आएंगे, पर बाद में आप इस मूवी को आराम से एंजॉय कर सकते हो, वो भी अच्छी क्वालिटी में। तो वहां पर दोस्तों यह मूवी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल है। तो जाइए MX प्लेयर के ऊपर और इस मूवी को आराम से देखिए और साथ में जो अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर है उनको भी आप इस मूवी को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि मूवी काफ़ी तगड़ी है। तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर देख सकते हो। सो नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की डीजे मूवी के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं, वो भी एकदम फ्री में, तो आप सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे। तो अगर आप इस मूवी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए। और यहाँ पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करेंगे और कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको इस मूवी के बारे में बताने वाले हैं जो शायद आपने नहीं सुने होंगे। वैसे मूवी दोस्तों काफ़ी कमाल की है, तो आप इस मूवी को दो बार तो देख ही सकते हो। और यह मूवी दोस्तों बहुत ही बड़ी हिट मूवी हो चुकी थी। पहले मैं यहाँ पर इस मूवी की कुछ बेसिक डिटेल के बारे में आपको बताऊंगा, बाद में यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलेगी वो भी बताने वाला हूँ। इस मूवी को एक्सप्लेन तो करेंगे ही, साथ में आपको बहुत सारे फैक्ट इस मूवी के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हो सके तो आप इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कर देना। यह मूवी दोस्तों आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक बांधे रखती है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको अल्लू अर्जुन के अलग अलग रोल नज़र आने वाले हैं। वैसे एक ही रोल है पर वो अलग अलग कैरेक्टर में होते हैं, जैसे कि आप यह इमेजेस देखकर मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको साफ साफ मालूम पड़ जाएगा कि जो अल्लू अर्जुन है उनके आपको अलग अलग कैरेक्टर नज़र आने वाले हैं। वैसे दोस्तों इस मूवी का शॉर्ट नाम डीजे था, पर इस मूवी का फुल नेम डुव्वाड़ा जगन्नाधम था। इस मूवी को 2017 में रिलीज़ किया था और यह एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जो 2 घंटे की है और यह मूवी आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर मैं बात करूँ इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 5.8 की, जो काफ़ी गजब की रेटिंग है। और वहीं पर 79% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था। मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था हरीश शंकर ने। और दोस्तों यह बहुत ही बड़ी हिट मूवी रही थी क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन 50 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 115 करोड़ की कमाई कर ली थी, यानी कि यह मूवी हिट हो चुकी थी क्योंकि हिट का टैग लेने के लिए कम से कम 100 करोड़ तो करने चाहिए थे और इस मूवी ने 115 करोड़ का कलेक्शन किया था, यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी हिट हुई थी। और इस मूवी के सारे सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और इस मूवी में जो म्यूजिक है वो दिया है देवी श्री प्रसाद ने, जो गजब का है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ इस मूवी के कास्ट के बारे में तो मूवी के मेन कास्ट में आपको देखने को मिलने वाले हैं अल्लू अर्जुन, पूजा हैगड़े, वेन्नेला किशोर, राव रमेश, मुरली शर्मा, हरीश उथनम, पोसानी कृष्णा, सुब्बाराजू, प्रभाकर और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जिनकी एक्टिंग काफ़ी दमदार है। और इस मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है जिसमें आपको अल्लू अर्जुन का एक नया लुक देखने को मिलने वाला है, यानी कि एक पंडित का लुक आपको देखने को मिलने वाला है जो शादियों के अंदर रसोई बनाते हैं, बट उनका दिखावा कुछ और था और अंदर से कुछ और थे। बस वो सिर्फ दिखावा करते थे कि वो पंडित थे, बट अंदर से जैसे कि आपने वो मूवी देखी होगी अपरिचित, तो उसमें कैसा होता था कि जो हीरो था वो दिखने में एकदम शरीफ लगता था पर जब रात होती तो सबकी बचा देता था। तो यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है क्योंकि जो अल्लू अर्जुन है उनका लुक तो काफ़ी दमदार था ही पर उनकी एक्टिंग इस मूवी में बहुत ही बेहतरीन थी। यहाँ पर जो पूजा हैगड़े है उनकी एक्टिंग आपको कहीं कहीं जगह पर लगेगा कि ये ओवर एक्टिंग कर रही है। और वैसे दोस्तों जो DJ होते हैं इस मूवी के अंदर उनका जो कैरेक्टर है पंडित वाला वो एकदम भोला कैरेक्टर है, किसी को लगेगा नहीं कि किसी को मार सकता है, बट जैसे मूवी 30 मिनट से आगे बढ़ती है तो हमें मालूम पड़ता है कि DJ का कुछ और ही लुक था, मतलब उनका कुछ काम और ही था, बस ये तो उनका एक साइड काम था जिसमें वो पंडित का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। तो मूवी में आपको बहुत जगह पर एक्शन सीन देखने को मिलने वाले हैं और इस मूवी में जो डायलॉग बाजी है वो काफ़ी दमदार है और इस मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी है, तो आपको मूवी देखने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो ओवरऑल दोस्तों मूवी की जो स्टोरी है वही आपको दिखाई जाएंगी कि कैसे एक पंडित उसके ऊपर कैसे लोग हमला कर देते हैं, जब उसने कुछ किया ही नहीं था तब उसके ऊपर लोग हमला करते हैं, तो उसने डिसाइड कर लिया था कि वो कैसे भी कर सब ठीक करेगा। तो वो 2 लुक में आ जाता है, पहला वो लुक पंडित वाला और दूसरा एक बिजनेसमैन जिसमें उनका लुक काफ़ी दमदार होता है। तो यानी कि यहाँ पर आपको 2 अलग अलग लुक देखने को मिलने वाले हैं। और जो यहाँ पर अल्लू अर्जुन उनकी एक्टिंग तो भाई साहब एकदम कड़क थी। जो इस मूवी के अंदर विलन है उनका भी लुक काफ़ी तगड़ा है और वो भी काफ़ी तगड़े थे। जैसे हर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है वैसे इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो मूवी में दोस्तों आपको कॉमेडी सीन बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर जो वेन्नेला किशोर है उनकी भी काफ़ी दमदार एक्टिंग थी और वो भी बहुत जगह पर कॉमेडी क्रिएट करते हैं और अल्लू अर्जुन भी यहाँ पर बहुत जगह पर कॉमेडी क्रिएट करते हैं। तो पूजा हैगड़े पहले जब मिलती है DJ से तो उनकी मजाक बनाती है क्योंकि उनका लुक ऐसा था, उसे देखकर वो उनकी मजाक बनाती है, बट जब उनके बारे में उसको सब कुछ मालूम पड़ता है तो वो तो एकदम शौक रह जाती है। आपने धनुष की मूवी का वो डायलॉग तो ज़रूर सुना होगा, कभी किसी का हुलिया देखकर जज नहीं करना क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है। तो यहाँ पर भी अल्लू अर्जुन वैसे ही होते हैं। तो बस दोस्तों मूवी की जो ओवरऑल स्टोरी है वही है कि जो पंडित है वो कैसे अपने अलग रूप में आ जाते हैं और कैसे लोगों को मारते हैं, कैसे बदला लेते हैं, वो सब कुछ आपको मूवी के अंदर दिखाया जाएगा। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आप इस मूवी की कहानी आराम से समझ जाएंगे। वैसे आप इस मूवी को 2 बार देख सकते हैं। मूवी काफ़ी दमदार थी और मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी थी। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलेंगी। तो अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको दोस्तों YouTube पर नहीं मिलेंगी क्योंकि YouTube पर इस मूवी को प्राइवेट कर लिया गया है। बट अगर आपको इस मूवी को फ्री में देखना है तो यह मूवी आपको MX Player के ऑफिशियल ऐप पर हिंदी भाषा में मिल जाएंगी। तो आप इस मूवी को MX Player पर जाकर आसानी से देख पाओगे। वहाँ पर बस कुछ ऐड आएंगे, पर बाद में आप इस मूवी को आराम से एंजॉय कर सकते हो, वो भी अच्छी क्वालिटी में। तो वहाँ पर दोस्तों यह मूवी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल है, तो जाइए MX Player के ऊपर और इस मूवी को आराम से देखिए, और साथ में जो अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर है उनको भी आप इस मूवी को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि मूवी काफ़ी तगड़ी है। तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर देख सकते हो। सो नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की डीजे मूवी के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं, वो भी एकदम फ्री में, तो आप सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे। तो अगर आप इस मूवी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए। और यहाँ पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करेंगे और कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको इस मूवी के बारे में बताने वाले हैं जो शायद आपने नहीं सुने होंगे। वैसे मूवी दोस्तों काफ़ी कमाल की है, तो आप इस मूवी को 2 बार तो देख ही सकते हो। और यह मूवी दोस्तों बहुत ही बड़ी हिट मूवी हो चुकी थी। पहले मैं यहाँ पर इस मूवी की कुछ बेसिक डिटेल के बारे में आपको बताऊंगा, बाद में यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलेंगी वो भी बताने वाला हूँ। इस मूवी को एक्सप्लेन तो करेंगे ही, साथ में आपको बहुत सारे फैक्ट इस मूवी के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और हो सके तो आप इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कर देना। यह मूवी दोस्तों आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक बांधे रखती है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको अल्लू अर्जुन के अलग अलग रोल नज़र आने वाले हैं। वैसे एक ही रोल है, पर वो अलग अलग कैरेक्टर में होते हैं, जैसे कि आप यह इमेजेस देखकर मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको साफ साफ मालूम पड़ जाएगा कि जो अल्लू अर्जुन है उनके आपको अलग अलग कैरेक्टर नज़र आने वाले हैं। वैसे दोस्तों इस मूवी का शॉर्ट नाम डीजे था, पर इस मूवी का फुल नेम डुव्वाड़ा जगन्नाधम था। इस मूवी को 2017 में रिलीज़ किया था, और यह एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जो 2 घंटे की है, और यह मूवी आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर मैं बात करूँ इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 5.8 की, जो काफ़ी गजब की रेटिंग है। और वहीं पर 79% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था। मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था हरीश शंकर ने, और दोस्तों यह बहुत ही बड़ी हिट मूवी रही थी, क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन 50 करोड़ का था, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 115 करोड़ की कमाई कर ली थी। यानी कि यह मूवी हिट हो चुकी थी, क्योंकि हिट का टैग लेने के लिए कम से कम 100 करोड़ तो करने चाहिए थे, और इस मूवी ने 115 करोड़ का कलेक्शन किया था। यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी हिट हुई थी, और इस मूवी के सारे सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं, और इस मूवी में जो म्यूजिक है वो दिया है देवी श्री प्रसाद ने, जो गजब का है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो मूवी के मेन कास्ट में आपको देखने को मिलने वाले हैं अल्लू अर्जुन, पूजा हैगड़े, वेन्नेला किशोर, राव रमेश, मुरली शर्मा, हरीश उथनम, पोसानी कृष्णा, सुब्बाराजू, प्रभाकर, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे कास्ट देखने को मिलने वाले हैं, जिनकी एक्टिंग काफ़ी दमदार है। और इस मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है, जिसमें आपको अल्लू अर्जुन का एक नया लुक देखने को मिलने वाला है। यानी कि एक पंडित का लुक आपको देखने को मिलने वाला है, जो शादियों के अंदर रसोई बनाते हैं, बट उनका दिखावा कुछ और था, वो अंदर से कुछ और थे। बस वो सिर्फ दिखावा करते थे कि वो पंडित थे, बट अंदर से, जैसे कि आपने वो मूवी देखी होगी अपरिचित, तो उसमें कैसा होता था कि जो हीरो था वो दिखने में एकदम शरीफ लगता था, पर जब रात होती तो सबकी बचा देता था। तो यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जो अल्लू अर्जुन है उनका लुक तो काफ़ी दमदार था ही, पर उनकी एक्टिंग इस मूवी में बहुत ही बेहतरीन थी। यहाँ पर जो पूजा हैगड़े है उनकी एक्टिंग आपको कहीं कहीं जगह पर लगेगा कि ये ओवर एक्टिंग कर रही है। और वैसे दोस्तों जो डीजे होते हैं इस मूवी के अंदर, उनका जो कैरेक्टर है पंडित वाला, वो एकदम भोला कैरेक्टर है, किसी को लगेगा नहीं कि किसी को मार सकता है। बट जैसे मूवी 30 मिनट से आगे बढ़ती है तो हमें मालूम पड़ता है कि डीजे का कुछ और ही लुक था, मतलब उनका कुछ काम और ही था, बस ये तो उनका एक साइड काम था जिसमें वो पंडित का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। तो मूवी में आपको बहुत जगह पर एक्शन सीन देखने को मिलने वाले हैं और इस मूवी में जो डायलॉग बाजी है वो काफ़ी दमदार है और इस मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी है, तो आपको मूवी देखने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो ओवरऑल दोस्तों मूवी की जो स्टोरी है वही आपको दिखाई जाएंगी कि कैसे एक पंडित उसके ऊपर कैसे लोग हमला कर देते हैं, जब उसने कुछ किया ही नहीं था तब उसके ऊपर लोग हमला करते हैं। तो उसने डिसाइड कर लिया था कि वो कैसे भी कर कर सब ठीक करेगा। तो वो दो लुक में आ जाता है, पहला वो लुक पंडित वाला और दूसरा एक बिजनेसमैन, जिसमें उनका लुक काफ़ी दमदार होता है। तो यानी कि यहाँ पर आपको दो अलग अलग लुक देखने को मिलने वाले हैं। और जो यहाँ पर अल्लू अर्जुन, उनकी एक्टिंग तो भाई साहब एकदम कड़क थी। जो इस मूवी के अंदर विलन है उनका भी लुक काफ़ी तगड़ा है और वो भी काफ़ी तगड़े थे। जैसे हर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है वैसे इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो मूवी में दोस्तों आपको कॉमेडी सीन बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर जो वेन्नेला किशोर है उनकी भी काफ़ी दमदार एक्टिंग थी और वो भी बहुत जगह पर कॉमेडी क्रिएट करते हैं और अल्लू अर्जुन भी यहाँ पर बहुत जगह पर कॉमेडी क्रिएट करते हैं। तो पूजा हैगड़े पहले जब मिलती है डीजे से तो उनकी मजाक बनाती है, क्योंकि उनका लुक ही ऐसा था उसे देखकर वो उनकी मजाक बनाती है। बट जब उनके बारे में उसको सब कुछ मालूम पड़ता है तो वो तो एकदम शौक रह जाती है। आपने धनुष की मूवी का वो डायलॉग तो ज़रूर सुना होगा, कभी किसी का हुलिया देखकर जज नहीं करना है, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है। तो यहाँ पर भी अल्लू अर्जुन वैसे ही होते हैं। तो बस दोस्तों मूवी की जो ओवरऑल स्टोरी है वही है कि जो पंडित है वो कैसे अपने अलग रूप में आ जाते हैं और कैसे लोगों को मारते हैं, कैसे बदला लेते हैं, वो सब कुछ आपको मूवी के अंदर दिखाया जाएगा। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आप इस मूवी की कहानी आराम से समझ जाएंगे। वैसे आप इस मूवी को 2 बार देख सकते हैं। मूवी काफ़ी दमदार थी और मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी थी। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलेंगी। तो अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको दोस्तों यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी, क्योंकि यूट्यूब पर इस मूवी को प्राइवेट कर लिया गया है। बट अगर आपको इस मूवी को फ्री में देखना है तो यह मूवी आपको MX प्लेयर के ऑफिशियल ऐप पर हिंदी भाषा में मिल जाएंगी। तो आप इस मूवी को MX प्लेयर पर जाकर आसानी से देख पाओगे। वहाँ पर बस कुछ ऐड आएंगे, पर बाद में आप इस मूवी को आराम से एंजॉय कर सकते हो, वो भी अच्छी क्वालिटी में। तो वहाँ पर दोस्तों यह मूवी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल है। तो जाइए MX प्लेयर के ऊपर और इस मूवी को आराम से देखिए और साथ में जो अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर है उनको भी आप इस मूवी को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि मूवी काफ़ी तगड़ी है। तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर देख सकते हो। सो नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की डीजे मूवी के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं, वो भी एकदम फ्री में, तो आप सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस मूवी को हिंदी भाषा में कहाँ पर देख पाएंगे। तो अगर आप इस मूवी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ मालूम पड़ जाए। और यहाँ पर हम इस मूवी को फुल एक्सप्लेन करेंगे और कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको इस मूवी के बारे में बताने वाले हैं जो शायद आपने नहीं सुने होंगे। वैसे मूवी दोस्तों काफ़ी कमाल की है, तो आप इस मूवी को 2 बार तो देख ही सकते हो। और यह मूवी दोस्तों बहुत ही बड़ी हिट मूवी हो चुकी थी। पहले मैं यहाँ पर इस मूवी की कुछ बेसिक डिटेल के बारे में आपको बताऊंगा, बाद में यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलेगी वो भी बताने वाला हूँ। इस मूवी को एक्सप्लेन तो करेंगे ही, साथ में आपको बहुत सारे फैक्ट इस मूवी के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हो सके तो आप इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कर देना। यह मूवी दोस्तों आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक बांधे रखती है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको अल्लू अर्जुन के अलग अलग रोल नज़र आने वाले हैं। वैसे एक ही रोल है पर वो अलग अलग कैरेक्टर में होते हैं, जैसे कि आप यह इमेजेस देखकर मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको साफ साफ मालूम पड़ जाएगा कि जो अल्लू अर्जुन है उनके आपको अलग अलग कैरेक्टर नज़र आने वाले हैं। वैसे दोस्तों इस मूवी का शॉर्ट नाम डीजे था, पर इस मूवी का फुल नेम डुव्वाड़ा जगन्नाधम था। इस मूवी को 2017 में रिलीज़ किया था और यह एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जो 2 घंटे की है। और यह मूवी आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं करने वाली है। अगर मैं बात करूँ इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 5.8 की, जो काफ़ी गजब की रेटिंग है। और वहीं पर 79% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया था। मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया था हरीश शंकर ने। और दोस्तों ये बहुत ही बड़ी हिट मूवी रही थी, क्योंकि इस मूवी का जो बजट था वो तकरीबन 50 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 115 करोड़ की कमाई कर ली थी। यानी कि यह मूवी हिट हो चुकी थी, क्योंकि हिट का टैग लेने के लिए कम से कम 100 करोड़ तो करने चाहिए थे और इस मूवी ने 115 करोड़ का कलेक्शन किया था। यानी कि यह मूवी बहुत ही बड़ी हिट हुई थी और इस मूवी के सारे सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं और इस मूवी में जो म्यूजिक है वो दिया है देवी श्री प्रसाद ने, जो गजब का है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो मूवी के मेन कास्ट में आपको देखने को मिलने वाले हैं अल्लू अर्जुन, पूजा हैगड़े, वेन्नेला किशोर, राव रमेश, मुरली शर्मा, हरीश उथनम, पोसानी कृष्णा, सुब्बाराजू, प्रभाकर और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जिनकी एक्टिंग काफ़ी दमदार है। और इस मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल है, जिसमें आपको अल्लू अर्जुन का एक नया लुक देखने को मिलने वाला है। यानी कि एक पंडित का लुक आपको देखने को मिलने वाला है जो शादियों के अंदर रसोई बनाते हैं, बट उनका दिखावा कुछ और था और अंदर से कुछ और थे। बस वो सिर्फ दिखावा करते थे कि वो पंडित थे, बट अंदर से, जैसे कि आपने वो मूवी देखी होगी अपरिचित, तो उसमें कैसा होता था कि जो हीरो था वो दिखने में एकदम शरीफ लगता था, पर जब रात होती तो सबकी बचा देता था। तो यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जो अल्लू अर्जुन है उनका लुक तो काफ़ी दमदार था ही, पर उनकी एक्टिंग इस मूवी में बहुत ही बेहतरीन थी। यहाँ पर जो पूजा हैगड़े है उनकी एक्टिंग आपको कहीं कहीं जगह पर लगेगा कि ये ओवर एक्टिंग कर रही है। और वैसे दोस्तों जो डीजे होते हैं इस मूवी के अंदर, उनका जो कैरेक्टर है पंडित वाला, वो एकदम भोला कैरेक्टर है, किसी को लगेगा नहीं कि किसी को मार सकता है। बट जैसे मूवी 30 मिनट से आगे बढ़ती है तो हमें मालूम पड़ता है कि डीजे का कुछ और ही लुक था, मतलब उनका कुछ काम और ही था। बस ये तो उनका एक साइड काम था जिसमें वो पंडित का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। तो मूवी में आपको बहुत जगह पर एक्शन सीन देखने को मिलने वाले हैं और इस मूवी में जो डायलॉग बाजी है वो काफ़ी दमदार है और इस मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी है, तो आपको मूवी देखने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो ओवरऑल दोस्तों मूवी की जो स्टोरी है वही आपको दिखाई जाएंगी कि कैसे एक पंडित, उसके ऊपर कैसे लोग हमला कर देते हैं। जब उसने कुछ किया ही नहीं था तब उसके ऊपर लोग हमला करते हैं, तो उसने डिसाइड कर लिया था कि वो कैसे भी कर सब ठीक करेगा। तो वो दो लुक में आ जाता है, पहला वो लुक पंडित वाला और दूसरा एक बिजनेसमैन, जिसमें उनका लुक काफ़ी दमदार होता है। तो यानी कि यहाँ पर आपको दो अलग अलग लुक देखने को मिलने वाले हैं। और जो यहाँ पर अल्लू अर्जुन, उनकी एक्टिंग तो भाई साहब एकदम कड़क थी। जो इस मूवी के अंदर विलन है उनका भी लुक काफ़ी तगड़ा है और वो भी काफ़ी तगड़े थे। जैसे हर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है वैसे इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो मूवी में दोस्तों आपको कॉमेडी सीन बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर जो वेन्नेला किशोर है उनकी भी काफ़ी दमदार एक्टिंग थी और वो भी बहुत जगह पर कॉमेडी क्रिएट करते हैं और अल्लू अर्जुन भी यहाँ पर बहुत जगह पर कॉमेडी क्रिएट करते हैं। तो पूजा हैगड़े पहले जब मिलती है डीजे से तो उनकी मजाक बनाती है, क्योंकि उनका लुक ही ऐसा था, उसे देखकर वो उनकी मजाक बनाती है। बट जब उनके बारे में उसको सब कुछ मालूम पड़ता है तो वो तो एकदम शॉक रह जाती है। आपने धनुष की मूवी का वो डायलॉग तो ज़रूर सुना होगा, कभी किसी का हुलिया देखकर जज नहीं करना, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है। तो यहाँ पर भी अल्लू अर्जुन वैसे ही होते हैं। तो बस दोस्तों मूवी की जो ओवरऑल स्टोरी है वही है कि जो पंडित है वो कैसे अपने अलग रूप में आ जाते हैं और कैसे लोगों को मारते हैं, कैसे बदला लेते हैं, वो सब कुछ आपको मूवी के अंदर दिखाया जाएगा। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आप इस मूवी की कहानी आराम से समझ जाएंगे। वैसे आप इस मूवी को 2 बार देख सकते हैं, मूवी काफ़ी दमदार थी और मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी थी। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यह मूवी आपको हिंदी भाषा में कहाँ पर मिलेंगी। तो अगर आप इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको दोस्तों यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी, क्योंकि यूट्यूब पर इस मूवी को प्राइवेट कर लिया गया है। बट अगर आपको इस मूवी को फ्री में देखना है तो यह मूवी आपको MX प्लेयर के ऑफिशियल ऐप पर हिंदी भाषा में मिल जाएंगी। तो आप इस मूवी को MX प्लेयर पर जाकर आसानी से देख पाओगे। वहाँ पर बस कुछ ऐड आएंगे, पर बाद में आप इस मूवी को आराम से इंजॉय कर सकते हो, वो भी अच्छी क्वालिटी में। तो वहाँ पर दोस्तों यह मूवी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल है। तो जाइए MX प्लेयर के ऊपर और इस मूवी को आराम से देखिए और साथ में जो अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर है उनको भी आप इस मूवी को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि मूवी काफ़ी तगड़ी है। तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर देख सकते हो।